हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गयन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ग्ञान यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हमारा वीडियो है वो डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स एम के बारे में दोस्तों जी हाँ ऑलरेडी मैंने कम्प्लीट वन लाइनर्स जो वन पॉइंट को कवर करता है वो सारा कुछ मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ उस वीडियो को देख के आइएगा क्योंकि एम का जो वीडियो होता है वो एक रिविजन टाइप वीडियो होता है दोस्तों जब आपके पास वन लाइनर का अच्छा ग्रिप होता है तो आप इस वीडियो को एज अ रिविजन पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एम में उसी वन लाइनर से बनाया हुआ होता है एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको अज्यूम कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि हमारे प्रॉक्सी ज्ञान ने जो यूपीएससी पी वन ऑन वन मेंटेनिंग प्रोग्राम निकाला है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों हेलो एसपेरेंट्स क्या आप कभी परेशान हुए हैं यू पी एस सी मेन्स आंसर राइटिंग को लेकर क्या आप जानना चाहते हैं कि यू पी एस सी मेन्स आंसर राइटिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं मेन्स में तो डरिएगा मत प्रोक्सी ज्ञान आपके लिए एक वन ऑन वन यू पी एस सी मोनिटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है इस प्रोग्राम में आपको थ्री सिक्सटी डिग्री होलिस्टिक व्यू दिया जाएगा जिसमें वीकली असाइनमेंट्स दिया जाएगा दोस्तों आपको पर्सनलाइज असेसमेंट होगा इसमें और इतना ही नहीं बल्कि आपको एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा आपके मेंटर के साथ और इसमें मेन बात यह भी है कि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे आप सैम्पल्स भी देख सकते हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स रिव्यू हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल किया है अपने आंसर्स को भेजे हैं उनके आंसर्स को एवेल्युएट किया है और अपने रिव्यूज को इन्होंने शेयर किया है दोस्तों सो so, देर किस बात की चूज योर प्राइजिंग प्लान नाउ तो हरी अप टाइम इज गोइंग ऑन विजिट आवर वेबसाइट डब्ल्यू तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो यूपीएससी वन ऑन वन मेंटेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई Uh, कोई भी किस तरह से अप्रोच करना है स्ट्रैटेजी के बारे में तो आप हमारा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं जैसे मैंने कहा आपको कि हम प्रैक्टिस सेट वन शुरू करने वाले हैं वन लाइनर ये सॉरी एम सी क्यू हैं थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ आपको भी अच्छा दिखेगा पहला क्वेश्चन वेयर वज अ इंडस्ट्रियल डी कार्बनाइजेशन समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इनाग्रेट बाई यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी साहब तो ऑप्शन ये होगा दोस्तों न्यू दिल्ली विच कंट्री वॉज रिकगग्नाइज एज अ कंट्री ऑफ द ईयर इन द यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वेवा टेक की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इंडिया दोस्तों तो टोटल आपको इसमें पंद्रह प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे सो ईच प्रैक्टिस सेट में आपको फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सो कंट्री मेड द द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू स्कोर ऑफ इन अगेंस्ट की बात करें तो ऑप्शन सी इंग्लैंड हो गया एंटी टेरिज्म फ्रेमवर्क एंड ऑर्गन ऑफ एससी वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री ऑन जून टू सेवेंटीन की बात करें तो ऑप्शन बी इंडिया हो गया दोस्तों फॉर विच टू प्लेसेज द फर्स्ट सर्विस ऑफ भारत गौरव ट्रेन स्टार्टेड अंडर भारत गौरव स्कीम ऑन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो उसका सही जवाब है ऑप्शन है कोयम्बत टू शिरडी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी 2022 इन जून 2022 की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ऑप्शन बी धर्मशाला सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द रिसेंटली फॉर्म आई टू यू टू ग्रुपिंग की बात करें तो हमने वन लाइनर में पढ़ाया था दोस्तों मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पहले वन लाइनर वीडियो देख लीजिएगा और ये रिविजन की तरह काम आएगा तो ऑप्शन ये हो गया इंडिया यू एस एंड इसराइल दोस्तों विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑप्शन ए कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों सो इन विच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इनाग्रेटेड नेशनल कस्टम एंड जीएसटी हेरिटेज म्यूजियम की बात करें तो ऑप्शन बी गोवा विच ऑफ़ द फॉलिंग स्टेट हेज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट ए बालिका पंचायत तो ऑप्शन है गुजरात पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिजाइल व सक्सेसफुल टेस्ट फायर चंदीपुर ओडिशा ब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन सी डी आर डी ओ हो गया दोस्तों द रिसेंटली लॉन्च स्कीम अग्निपथ इज रिलेटेड टू ऑप्शन डी रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्मी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एट आई डब्ल्यू एफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन लियॉन मेक्सिको की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों गुरु नायडू सेनापति विच ऑफ़ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच अमॉन्ग द रीसेंट अपंटमेंट्स की बात करें तो रबाब फातिमा अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन करेक्ट है हमजा अब्दी बरेर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया ये भी करेक्ट है सोन सॉरी चोसू हुई जो कि नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ये भी करेक्ट है दोस्तों सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 रिलीज बाय आईएमडी की बात करें दैट इज यहाँ पे डेनमार्क गॉट द टॉप पोजिशन इन दिस इंडेक्स करेक्ट दोस्तों इंडिया का रैंक थर्टी सेवन ये भी करेक्ट है तो ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट बीच विजिल ऐप वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बीचेस की बात करें तो ऑप्शन बी गोवा ने इसको लॉन्च किया था नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्री फर्स्ट डोमेस्टिक कोविड नाइनटीन वैक्सीन फॉर एनमल्स डेवलप बाई हरियाणा बेस्ड आईसीएर नेशनल रिसर्च सेंटर अप्रूव बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है एनोकोवैक्स विद स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्वेंटी सेकंड इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट इज बेस्ट एक्टर विक्की कौशल बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और बेस्ट फिल्म शेरशाह दी गई है विच इंडियन फिल्म पीरियटर एज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन जून टू की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों मिथाली राज नेक्स्ट हु हुन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी एशिया कप 2022 हेल्ड इन जकार्टा तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मलेशिया होगा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस ट्रू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी दोस्तों लॉरस्ट स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टू थाउजेंडेंट ट्वेंटी टू मैक्स वर्स्टापन को दिया गया है ट्रू है ये लॉरेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एलन थॉमसन को दिया गया करेक्ट है लॉरेस्ट टीम ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इटालियंस मैन फुटबॉल टीम तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर इन स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया गुजरात रिसेंटली वो हैज बिन ऑनर्ड विद एक्सलेंस इन द सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूनवि सिटी द कंट्री फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिररर टेलीस्कोप हैज़ हैज़बिन इंस्टॉल्ड रिसेंटली तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया नैनीटाल वेयर वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं ये पंचकूला हरियाणा में दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली नॉन्च स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो ऑप्शन डी राजस्थान हो गया विच ऑफ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच अमॉन्ग द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुजय लॉल थॉस डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल करेक्ट जुल्फिकार हसन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बल बजरंग बेगाज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बेनिया विच टीम वोन द रिसेंटली हेल्ड आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल की बात करें तो गुजरात टाइटन्स वेर हैज बिन द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्टेड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु विच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अग्री लैंड प्राइज इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन है आई एम अहमदाबाद विच कंट्री वोन द टाइटल ऑफ एफ आई एच हॉकी फाइव एयज चैंपियनशिप हेल्ड इन लॉजेन स्विटरलैंड की बात करें तो ऑप्शन सी इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलिंग मिनिस्टर्स हैज़ लॉन्च नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंग गवर्नमेंट स्कीम्स नेम जन सामर्थ पोर्टल की बात करें तो ऑप्शन सी नेंद्र मोदी वट वॉज द थीम ऑफ रिसेंटली सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनविरोमेंट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी होगा दर सो ओनली वन अर्थ प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद हज रिसेंटली इनाग्रेट संत कबीर अकाडमी एंड रिसर्च सेंटर इन संत कबीर नगर ऑफ विस स्टेट ये यूपी हो गया दोस्तों ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट ऑफ विस स्टेट बींग इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड वॉज ऑनर्ड एट द यू एन ओल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी फॉरम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी हो गया मेघालय दोस्तों ठीक है सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजन विल बिल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट जेवार एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट रिसेंटली ब्लू ड्यूक हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ स्टेट बटरफ्लाई बाई विथ स्टेट गवर्नमेंट तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है सिक्किम बाई हुम द लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल मूवमेंट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन द केस ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लॉन्च तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो मतलब डेनमार्क गॉट द फर्स्ट पोजिश इन द एजुकेशन इंडेक्स ए टोटल ऑफ वन एटी कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन दिस एंड इंडिया गॉट लास्ट वन एटी प्लेस इन दिस दोस्तों वेयर वॉज द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनाग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सेवन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है न्यू डेली दोस्तों एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट फिफ्टी टू के जी ऑफ कोकेज रिकवर्ड बाय कंडक्टिंग ऑपरेशन नमकीन तो सही जवाब है ऑप्शन है गुजरात एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विथ स्टेट इज अ लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार हो गया दोस्तों विथ स्टेट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्वेंटी फोर्थ डेफ ओलंपिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी जैसे कि इट वॉज ऑर्गेनाइज इन ब्रेजील एंड इट्स मास्कॉट वॉज नीनो यूक्रेन टॉप द मेडल टेबल इंडिया ओन टोटल ऑफ सिक्सटीन मेडल्स एंड रैंक नाइन्थ इन द मेडल टैली चलिए नेक्स्ट इनवि सिटी द कंट्री फर्स्ट रेडियो चैनल अक्ष हैजिन लॉन्च बाय द विजुअली इम्पेयर पीपल की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है नागपुर हुज रिसलीन द ट्वेल्थ सीनियर मेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन बी हरियाणा हु ओन द टाइटल ऑफ फोर्टी एट लारोड़ा इंटरनेशनल ओपन चेस टोर्नामेंट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों डी गुकेश ऑइल इंडिया लिमिटेड हेज कमीशन इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विथ स्टेट तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी असम वेर वॉज द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइज बिटवीन मे फोर्टीन टू फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन कोलाबोशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड फिकी की बात करें तो इसका जो सही जॉब है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया मुंबई रिसेंटली विद सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम की बात करें तो ऑप्शन सी आगरा हो गया दोस्तों सो दिस इज द आंसर की आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस इट दोबारा आप वीडियो को फिर रिवर्स करके प्ले करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों आंसर्स भी तो चलिए अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तो पहला क्वेश्चन है विथ स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम दैट इज ऑप्शन भी महाराष्ट्र हो गया दोस्तों हु हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी टू लैंड एन एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन इंडिगो है यह वन लाइनर में भी मैंने आपको पढ़ाया था रिसेंटली विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द फर्स्ट ऑफ इट्स जीन बैंक प्रोजेक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों सॉरी महाराष्ट्र हो गया And uh, next recently, recently who has become the first black woman to join crew of International Space Station, so Jessica Watkins, which infrastructure project was awarded the Indian Building Congress Best Infrastructure Project Award on 28 April 2022 in New Delhi, Kibatkay? The correct answer is option hai Atal Tunnel. Ho hai Whereas the country's first cryptocurrency-based cafe opened, the correct answer is option D Pupal. And which of the following correctly match in the recent appointments? Ki kare. That is Manik Saha. न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा करेक्ट है राजीव कुमार ट्वेंटी फिफ्थ चीफ इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया मार्कोस जूनियर न्यू ऑफ़ फिलिपींस तो ऑल ऑफ द बॉयज़ अ राइट वेर इज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज सिक्स थर्टी टू मीटर्स बिल्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वीतनाम दोस्तों ओके विद स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू ऑल थ्री स्टेटमेंट्स दट डिस्टोरमेंट वॉज हेल्ड फ्रॉम एप्रिल ट्वेंटी फोर्थ टू थर्ड मे एट डिफरेंट प्लेसेस बेंगलुरु जेन यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली विथ ट्वेंटी गोल्ड मेडल्स एल पी यू इज़ एट द सेकंड पोजिशन विथ सेवेंटीन गोल्ड मेडल्स दोस्तों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बिन लॉन्च इन विथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों पूर्णिया वेर वॉज द ट्वेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू टी ओ हेल्ड रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी जेनीवा स्विटरलैंड हो गया विच वन इज मैच अमॉन्ग द रीसेंटली लॉन्च स्कीम की बात करें तो ऑप्शन ई दैट इज चीफ मिनिस्टर मिठान योजना छत्तीसगढ़ है इन्होंने ये लॉन्च किया था ई अधिगम स्कीम हरियाणा ने लाडली लक्ष्मी टू पॉइंट प्रदेश ने छा बैज योजना हरियाणा ने दोस्तों ऑल ऑफ द द राइट आंसर रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन गोल्ड मेडल एट आई डब्ल्यू एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन हिराक्लाइन ग्रीस की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षदा शरद गरुड़ा विच ऑफ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू रिसेंटली पब्लिश बुक एंड ऑथर तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी ऑफ दो देखिए राकेश मारिया मी से स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रिगार्डिंग द स्टेटमेंटिंग रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करें? तो इसका सही जॉब है अगेन ऑल थ्री स्टेटमेंट्स इंडेक्स इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट है नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन वर रैंक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और इंडिया का रैंक वन है दोस्तों नेक्स्ट वेर वॉज अ क्वाड लीडर समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गनाइज रिसेंटली तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है टोक्यो इन द नेम ऑफ विच प्लेयर द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिल्ड ए स्टेडियम इन पानीपत तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों नीरज छोपड़ा आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट कंचन जुंगा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू स्केल फाइव पिक्स हुज हाइट आर अबो एट थाउजेंड मीटर्स तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है प्रियंका मोहिते विच स्टेट एस टी एंड एस सी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया उड़ीसा

जन आरोग्य योजना सेहत की बात करें तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों सो स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्वेंटी फोर्थ डेफ ओलंपिक्स हेल्ड इन कैशियास डोसूल ब्राजील में जो हुआ था तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी दबो एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यह समिट कहां पर हुआ था तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों दोस्तोंगन डेनमार्क में हुआ था विच इंडियन जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग द लेट फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी और अवार्डेड द पुलटर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो जबकि शना इर्शद माटो अदनान आबेदी अमित दवेज को विच ऑफ द बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव हंड्रेड बिलियन डॉलर एनअल इनकम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए हो गया रिलायंस इंडस्ट्री विच यूनियन मिनिस्ट्री इनाग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट अमृत सरोवर एट पटवाई रामपुर यूपी इनमें टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया मुख्तार अब्बास नकवी रिसेंटली अवार्डेड द टेम्पलटन प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बट टेपलटन फाउंडेशन तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है फ्रैंक विल्ज़ेक यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन टू रन ऑन बायोगैस हैज बिन इनागरेटेड तो सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू रिसेंट डिमाइज एंड द रेस्पेक्ट टू फील्ड की बात करें शेख खलीफा बिन जैद अल नाहन प्रेजिडेंट ऑफ यू करेक्ट है okay? uh, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर ये भी करेक्ट है टोनी बुक्स फॉर्मो ये भी करेक्ट है दोस्तों ऑल ऑफ विच टीम रिसेंटली ओन द स्पैनिश फुटबॉल लीग लालीगा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है रियल मैड्रिड नेक्स्ट विच मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल डेवलप एंड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक शिप की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है कोचिंग शिप यार्ड लिमिटेड

तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बालकृष्ण विठल दास टोशी विच मेडल हैज बिन अवार्डेड टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन टू थाउजेंड टू की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी परम विश्व सेवा मेडल हु हैज बिन अवार्डेड द स्पेशल बांग्ला अकाडमी अवार्ड्स तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों ममता बेनर्जी ए फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री हैज बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेवेशन बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो किसका है कहाँ से मिला है राखिर गढ़ी में विच कंपनी हैजिकम द वर्ल्ड मोट वैल्यूबल कंपनी इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिविंग बिहाइंड एपल की बात करें तो ऑप्शन सी सऊदी आराम को हो गया ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ थॉमस कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन बैंकॉक इन मेड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर फर्स्ट टाइम बट डिफिंग इंडोनेशिया थ्री डैश वो इन द फाइनल तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है डेनमार्क विच प्लेयर हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाइस्ट पेड प्लेयर रिलीज बाय फॉब्स इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी लियोन मेसी

नरसिंग बाई पटा नागेश्वरम द फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गिवन जी आई टैक तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु विच टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन हो गया हैदराबाद एफ सी एंड वेयर वॉज द वर्ल्ड पैरा पैराथेट्स ग्रैंड प्रिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन विच इंडिया गॉट एथ पोजिशन तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों दुबई यू ए ई सो हियर इज द आंसर की सेट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों ओके तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन है ए एम एमओ यू हैज बीन साइन बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड डी पी वर्ल्ड ऑफ यू ए टू डेवलप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन भी हो गया दोस्तों वाराणसी विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिप्लेसिंग रशिया दैट इज ऑप्शन इज जेक रिपब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अमॉन्ग द अपॉइंटमेंट्स हेल्ड इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ई मतलब ऑल ऑफ दी अबो मैच हो सकते हैं आप नेक्स्ट विच अमोंग द रिसेंटली पब्लिश बुक्स एंड ऑथर इस कार करेक्टली मैच्ड सो ये भी ऑप्शन डी है दोस्तों पूरे के पूरे करेक्ट हैं रस्किन बॉन्न प्रीति शनाइ बिमल जलान एंड विच इज़ अ करेक्टली मैच इन द पेयर ऑफ रिसेंट डिमाइज एंड रिलेटेड फील्ड दिस इज ऑल्सो ऑल आर करेक्ट दोस्तों देखिए जानबूझ कर ये लोग जो है ऑल ऑफ द अबो देते हैं एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली ताकि ये बताना चाहते हैं कि जो भी ऑप्शन है उससे भी आप जो है सीख सकें दोस्तों विच मिनिस्ट्री अनविल्ड गतिशक्ति संचार पोर्टल फॉर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट विच कंट्री वन द यूबर कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन बैंकॉक तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साउथ कोरिया हो गया देवशाहम पिल्लाई फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर सेंट बाय पोप फ्रांसिस की बात करें दैट इज ऑप्शन है तमिलनाडु दोस्तों इन में टू थाउंट ट्वेंटी टू प्रेजेंट रामनाथ कोड्रेस द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ दार्लियमेंट ऑफ विच कंट्री तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जमाइका हो गया वेर वॉज अ नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेट्री रिसेंटली इनाग्रेटेड बाई होम मिनिस्टर अमित शाह दट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तोंबाद ऑन ट्वेंटी सिक्स में टू थाउजेंड ट्वेंटीडेंट रामनाथ कोविंद इनाग्रेट द फर्स्ट नेशनल वेन रजिस्ट्रेटर कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन विस सिटी तो ये केरला में है दट इज त्रिवंतपुरम ऑप्शन ए वे डिट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च टू इंडिजिनसिबल्ड वॉरशिप सूरत एंड उदयगिरी ऑन ट्यूजडे मतलब ट्यूजडे को निकाल दीजिए ओके okay. सूरत और उदयगिरी कहाँ पे लॉन्च किया गया है दैट इज़ ऑप्शन बी मुंबई हु अमंग द फॉलिंग हैज बिन कन्फर्ड विद द ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अजय पिरामल दोस्तों विच इंडियन फीमेल प्लेयर वोन द गोल्ड मेडल इन द फिफ्टी टू के जी वेट कैटेगरी एट द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन इस्तांबुल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया निखत जरीन दोस्तों

करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट दोस्तों याद रख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दंट्रीज प्लान टू डिस्कवर द वर्ड फर्स्ट द स्पेस टेलीस्कोप तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी चाइना हो गया विच इंडियन कंपनी द द इन पार्टनर टी ट्वेंटी लीग ऑफ यू ए की बात करें दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों अदानी स्पोर्ट्स लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू लॉन्च फर्स्ट गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों केरला एंड बाई विच ऑर्गनाइजन टन लाको में आशा वर्क हैद ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवॉर्ड की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया डब्ल्यू एच ओ विच ऑफ द फॉलो टीम हैजन द टाइटल प्रीमियर लीग फुटबॉल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन बैनचस्टर सिटी एंड ऑफ द फोन स्टार्टेड मैडेटरी ट्वेंटी वन डे क्वारंटाइन फार पेश सफरिंग फ्राम मंकी पॉक्स एंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो इसका सही जॉब है ऑप्शन है बेलजियम विच इंडियन ऑरिजिन बिजनेसमैन हैज बिन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ द लंडन बुरॉक फॉर साउथ वॉक फॉर दर्स्ट टाइम तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी सुनील छोपड़ा हु एज अ फर्स्ट कॉम्बैक एविएटर ऑफ द इंडियन आर्मी की बात करें तो इन विच सिटी मोदी मोडी द कंट्रीज लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल इंडिया ड्रोन फेस्टिवल टू ऑन मोड ट्वेंटी एट प्रगति मैदान की बात करें तो ऑप्शन डी डेली हो गया विच ऑफ द फॉलिंग हिंदी राइटर वॉज कंफर्ट विद इंटरनेशनल बुकर प्राइस फॉर द नोवल रेट समाधि विच हेज़ बिन ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है गीतांजलि श्री इन विच स्टेट ए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम दूध वानी वॉज इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद अ नेम टू प्रोवाइड नेसेसरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन टू द फॉर्मर्स तो इसका जो सही उत्तर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गुजरात विच स्टेट हैज़ बिन सेलेक्टेड बाई डब्ल्यू एच ओ लुकिंग एट द फूड टू कंट्रोल द कंजम्पन ऑफ टोबैको फॉर द वर्ल्ड नो टोबै डे अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन है झारखंड हो गया दोस्तों

एंड विच टीम हैजन द रिसेंटली ऑर्गेनाइज उज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो सुपर नोवास ने जीता है एंड इनवे डिस्ट्रिक ऑफ बिहार द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर द इंडियाज लार्जस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया जमॉई इंडिया टॉप द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन सोल जर्मनी विद द टोटल ऑफ हाउ मनी मेडल्स तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों थर्टी थ्री मेडल्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अदानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ए यूनिट ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज कमिश्न इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट की बात करें तो ऑप्शन बी जैसलमर विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेट्रोपोलिटिशन सिटी टू प्रिपेयर द डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडावर्सिटी की बात करें तो ऑप्शन सी कोलकाता हो गया रिसेंटली विच कंट्री नर्स अन्ना कैबले दुबा वॉज अवार्डेड एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड एट अवार्ड सॉर्बनी हेल्ड इन दुबई की बात करें तो इसका सही जॉब है ऑप्शन सी के नियम गर्ल एम्पावरमेंट मिशन हैज बिन स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों

इंडियास एन ओन द सिल्वर मेडल दिस इज ऑल्सो राइट इन विच इंडियन सिटी द बिब्लोबी भारत गैलरी वॉज इनाग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द अकेशन ऑफ शहीद दिवस की बात करें तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो गया कोलकाता विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फॉर्मिंग फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ सॉइल एट सेलेक्टेड लोकेशन की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरला हो गया द इनस्टूट ऑफ विच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू द स्कीम नई रोशनी लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इन द माइनॉरिटी वुमेन की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विच अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज बिन अवार्डेड 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एबल प्राइज बाई नॉर्विगियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स फॉर इज एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोपोलॉजी तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों डेनिस पार्डल पार्डलियन विच मेडल हैज बीन ओन बाय द दी सिंधु द एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन फिलिपींस ऑप्शन सी हो गया दोस्तों ब्रॉन्स हियर इज द आंसर की सेट आप देख सकते हैं अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों ठीक है तो चलिए अभी हम चलते हैं सेट नंबर फोर की तरफ पहला क्वेश्चन है हमारा विच वन इज़ करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली पब्लिश बुक एंड ऑथर तो ऑल ऑफ द अबो मीना नायर राजेश तलवार देविका रंगचारी जो भी इनके बुक्स हैं रेस्पेक्ट सारे के सारे सही हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और मैच करेक्टली रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स की बात करें तो ये भी आंसर ऑल ऑफ द अबो ही होगा एंड हु अमंग द फॉलोइंग और मैच इन इंद रिसेंट इज दिससो ऑल ऑफ द अबो करेक्ट विनय मोहन क्वात्रा न्यू फॉरन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर सोनी तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों महाराष्ट्र रिसेंटली इन विच ऑफ दाइबरिंग कंट्री पब्लिक इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यू टू इकोमिक क्राइसिस की बात करें तो ऑप्शन हो गया दोस्तों श्रीलंका वेर हैज मतवा धर्मा महामेला टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेन ऑर्गेनाइज ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल हो गया दोस्तों और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉइंटली इनग्रेट क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस रूपे पेमेंट सिस्टम एंड साइंस सेवरल एम्बोइ विध विच नेबरिंग कंट्री की बात करें तो ऑप्शन ए नेपाल हो गया है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिटेक्टेड टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड तो ऑप्शन बी नेदरलैंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो गया बोथ वन एंड टू आर करेक्ट उत्तर प्रदेश हैज बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स आंध्र प्रदेश इज द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट दोस्तों

जयनगर टू खुर्ता ये भी हमने वन लाइन में पढ़ा था हु अमोंग द फॉलिंग वाज गिवन द फर्स्ट लता दीना मंगेशकर अवार्ड इन मुंबई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वेयर हैज द टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैलीज बिन सक्सेसफुली टेस्ट फाइड बाई डी आर डी ओ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कहाँ पर टेस्ट किया गया था पोकरान राजस्थान में सेवरल एशियन मेगालिथिक स्टोन जार्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिमा हसो डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट दोस्तों तो ये आसाम का हो गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सिक्सटी फोर्थ ग्रामी अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो इस बार का जो सिक्सटी फोर्थ एनुअल ग्रामी अवार्ड सरबनी हेल्ड इन लास वेगास इंडियन म्यूजिशियन रिकी खेज वॉज गिवन द ग्रामी अवार्ड फॉर द आल्बम डिवाइन टाइट्स और इंडियन सिंगर फाल्गुनी शाह अका फाल फालू वॉज गिवन ग्रामी अवार्ड फॉर हर आलबम कलरफुल ओल्ड नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कूल चलो अभियान टू इश्योर हंड्रेड परसेंट एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स तो इसका सही जब है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम क्रियालिटी की बात करें तो ऑप्शन है इक्वेडर e हो गया दोस्तों रिसेंटली हुआ सेकंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर टेन थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी क्रिकेट तो ऑप्शन हो गया रोहित शर्मा ठीक है नेक्स्ट वेयर वॉज अ खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आश्चर्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज रिसेंटली कहां पर किया गया था जमशेदपुर झारखंड में विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिन डिक्लेयर द वर्ल्ड बिजेस्ट एयरपोर्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो ऑप्शन है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट Who among the following have been awarded the Sant Namdev National Award for the year 2021-22? Uh, respectively, the option is Satyapal Malik, dosto. And where was the 83rd National Table Tennis Championship 2022 held? So, the ja answer is option D, Meghalaya, dosto. In which country the Street uh, Child Cricket World Cup 2023 will be organized? Then the correct answer is option C, India. And where was the 4th 2-plus-2 dialogue between India and United States held recently? Then the correct answer will be option A, Washington, D.C. विच ऑफ़ द फॉलिंग यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड सीमा दर्शन प्रोग्राम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑन इंडो पॉक बॉर्डर इन नाडाबेट गुजरात की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया अमित शाह विच स्टेट एज टॉप अमॉग द लार्जेस्ट लार्जस्ट स्टेट्स इन द स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी गुजरात विच स्टेट गवर्नमेंट एज रिसली लॉन्च वन हेल्थ फ्रेमवर्क एज ए पायलट प्रोजेक्ट ऑप्शन ए हो गया उत्तराखंड एंड रिसेंटली विच कंट्री फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन फोटो टाइटल कामलुप रेसिडेंशियल स्कूल वॉज अवार्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ दू था ट्वेंटी टू द करेक्ट आंसर है इसका दट इज ऑप्शन सी होगा कैनेडा दोस्तों हुम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले सिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने खेला था मिथाली राज्य ने एंड विच कंट्री आर सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंटरनेशनल बेलिस्टिक मिजाइल सरमट की बात करें आई सी बी एम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रशिया दोस्तों ओवर विच माउंटेन पास द वर्ल्ड हाईस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज बींग बिल्ट एट हाइट ऑफ सिक्सटी थाउजेंड 16,580 फीट बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑप्शन है शिंकूला पास विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गुरु जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स टू स्टूडेंट आफ्टर परसुविंग एजुकेशन ऑप्शन सी झारखंड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द रीट अपॉइंटमेंट्स तो करेक्ट आंसर सारे के सारे मैच करते हैं एंड रिसेंटली विद स्टेट कैबिनेट एज अप्रूव इंश्योरेंस स्कीम फॉर एडेटेडेडेडेडेड जर्नलिस्ट अपू थ्री लैक्स दोस्तों ऑप्शन डी त्रिपुरा एंड वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ए इनोवेशन टू रिड्यूज मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ विच सोशल मीडिया कंपनी हैज बीन बॉर्ड बाई वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क फॉर फोर्टी फोर बिलियन डॉलर ऑप्शन ए ट्विटर हो गया एंड वेर विल बी द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर सेटअप फॉर विच एन अग्रीमेंट हेज बिन साइन बिटवीन एन एस डी सी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका सही जॉब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट वन द टाइटल नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप इन मेन्स सेक्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों प्रदेश एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली ऑर्गेइज फेस्टिवल्स आर करेक्टली मैच ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ फूल देई उत्तराखंड सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट हरियाणा का है पोहला बोय बांग्लादेश का है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज करेक्टली मैच आपको पूछा जा रहा है अगेन ऑप्शन डी जय शाह सरदार बेरदी मुखमदेव प्रेजिडेंट ऑफ तुर्गमिस्तान द्रौपदी मुर्मू फिफ्टीन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जय शाह प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल रिसेंटली व्यास में सेलेक्टेड एज अ मॉलकॉम अडीशियास अवार्ड गिवन बाय द मॉलकॉम एंड एलिजेथ एडिशिया ट्रस्ट तो किसको दिया गया है इस बार ऑप्शन ए प्रभात पटनायक को दोस्तों रिसेंटली विथ स्टेट हज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू सेट एल रूट सर्वर टू प्रोमोट ई गवर्नेंस ऑप्शन सी हो गया राजस्थान एंड विथ स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग थर्टी फिफ्थ एशियन रेजलिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द उलन बतार मंगलिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे इंडियन रेजलिंग ने सराह मेडल जीते और इंडिया गॉड फिफ्थ पोजिशन इन द मेडल टेबल ज द इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन गांधी नगर सो हियर इज दू कैन टेक्रीनशॉट इफ यूट चलिए आगे चलते हैं अभी set number five देख लेते हैं दोस्तोंट एंड सैटेलाइट तो ऑप्शन सी हो गया मून से रिलेटेड है विच बुक तो ऑप्शन हो गया दोस्तों द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर Which of the following became the first Indian company to have won the sponsorship of FIFA World Cup 2022 to be held in Qatar? So option B okay, by Byjuice. Which state government has launched its 24x7 WhatsApp chatbot Maya to enable tourists to get the all information and updates about the tourism ecosystem in the state? Option C Kerala. Polar Science and Cryosphere Research Scheme has been recently approved by for the continuation during 2021-26. It is a scheme of uh, which Ministry? the option B is okay? Ministry of Earth Sciences. विच प्रोडक्ट्स एज लॉन्च बाई द यूनियन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर टू ट्रेन एनआरआईस एट द दबई एक्सपो टू थाउजेंडी टू तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन हो गया विच स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग द नाइन्टी फोर्थ अकेडमी अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो इज द ट्रू दोस्तों बेस्ट फिल्म अवार्ड वॉज गिवन टू सी ओ डी ए बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज गिवन टू बिल स्मिथ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वॉज गिवन टू जैसे इवेस्टेटर यूनियन टेटरी म्यूजियम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज इनागरेटेड इन द तीन मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए न्यू डेली हो गया सॉरी नेक्स्ट विच इंडियन फीमेल प्लेयर वॉज अवार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दू था ट्वेंटी इसका सही जॉब है ऑप्शन सी मीराबाई चानू विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एंड इकोनॉमिक कोऑर्पोरेशन कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट इन अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज ऑप्शन डी हो गया ऑस्ट्रेलिया इंडिया फर्स्ट स्नो मैराथन वॉज एट विस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति एंड विच वेबसाइट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्टर्नल अफेर्स मीनाक्षी लेखी थ्रो विच वन कैन विजिट टूअल ज्योतिर्िंगस एंड चार धम फ्राम एनी प्लेस दोस्तों ऑप्शन बी टेम्पल थ्री सिक्सटी विच आर द फॉंग एक् एक्सेलेंट फीमेल जर्नलिस्ट हैज़ बिन ऑनर्ड विद चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑप्शन डी अरेफा जोहरी वट वॉज अ नेम गिवन टू द न्यू तुली पेरेटी बाई प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद डूरिंग इज विजिट टू नेदरलैंड्स देन द करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन सी हो गया मैत्री

करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोथ मुंबई एंड हैदराबाद इन विच सिटी वॉज अ टू डे नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्बिट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज ऑप्शन ए गुजरात एंड विच इंडियन चेस् प्लेयर हैज ओन द रिकाविक ओपन चेस टोर्नामेंट टू थाउंड ट्वेंटी टू ऑप्शन बी हो गया दूसर आर प्रज्ञानंदा विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन द ग्लोबल नेटवर्क सिटी ऑफ सिल्क सिटीज की बात करें ऑप्शन डी बेंगलुरु वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई विच रेलवे स्टेशन एट सिक्स ऑफ सिक्स डिविजन की बात करें तो कौन से रेलवे ने इसको स्टार्ट किया है ऑप्शन बी साउथ सेंट्रल रेलवे दोस्तों इनवे सिटी द वॉटर वे कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेनाइज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया डिब्रुगढ़ विच ऑफ द फॉलोइंग आईलैंड कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई साइक्लोन मागी की बात करें देन इज ऑप्शन ए फिलीपींस हो गया दोस्तों ठीक है चल नेक्स्ट विच कंट्री वन द टाइटल जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन साउथ अफ्रीका तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी इन नदरलैंड इन्वेस्टेड एट फीट स्टू ऑफ हनुमान जी वॉज अनविल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों गुजरात इन स्टेट द फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनागरेटेड ये कहाँ पे किया गया असम में इन्वेस्ट टू सिटी ऑफ इंडिया विल द हॉकी वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज इन दयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है भुवनेश्वर रॉक किला विच ऑफ़ द फॉलो स्टेट हैज़ सेंट अ प्रपोजल टू डिमांड यूस्को हेरिटेज फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड साइक्लोपाइन वॉल की बात करें तो ऑप्शन बी बिहार ने एंड विच ऑफ दिस मिनिस्ट्री हज़ लॉन्च डिजिटल इनिशिएटिव उत्सव पोर्टल की बात करें तो ऑप्शन है होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन विच कंट्री वॉज इंटरनेशनल वाटर वीक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज बिटवीन अप्रैल सेवनटीन टू ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका ऑप्शन भी होगा दोस्तों सिंगापुर रिसेंटली विच स्टेट गवर्मेंट हज अनाउंस ट प्रोवाइड थ्री हंड्रेड यूनिट्स ऑफ फ्री एक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स फ्राम जुलाई फर्स्ट तो ऑप्शन हो गया पंजाब एंड हुज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट डिजिटल टिकेटिंग सिस्टम इक्विप्ड सर्विस ऑप्शन है महाराष्ट्र हो गया दोस्तों इन विच कंट्री वॉज अ इन्वेक्टस गेम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइड तो ऑप्शन है नेदरलैंड्स इन विच सिटी द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री विल भी सेटअप बाय द बिलिट इलेक्ट्रिक कंपनी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन भी तेलंगाना हो गया नेक्स्ट वट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे टू की बात करें तो इन्वेस्ट इन द फ्यूचर सॉरी एक मिनट इन्वेस्ट इन अवर प्लान दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन विच फैक् कंट्री द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 थाउजें ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गनाइज बाइ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन तो ऑप्शन डी इंडिया रिसेंटली हाउ मेनी रुपी कॉइंस वॉज रिलीज बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द अकेजन ऑफ द प्रकाश पर्व ऑफ गुरु तेग बहादुर जी की बात करें तो ऑप्शन सी फोर हंड्रेड रुपीज द सेवंथ एडिशन ऑफ द रसायना डायलॉग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ एप्रिल टू ट्वेंटी सेवंथ अप्रिल वॉज इनाग्रटेड बाई प्राइमि नरेंद्र मोदी न्यू डेली हुज चीफ गेस्ट वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीन और इनका नाम क्या है यह आपको बताना है ऑप्शन ए हो गया दोस्तों उर्सुला वॉन्डेर लियर प्ली पंचायत ऑफ यूनियन टेटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया कहाँ का कौन सा स्टेट है ये ये आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंडेड एम ओ यू फॉर द कोऑपरेशन इन द ए एरिया ऑफ डिसेबिल्टी इन अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन बी हो गया शिली द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अप्रूव फाइव फोर्टी मेगावाट्स ख्वार हैड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर इन किश्तवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर तो उसका सही जवाब है ऑप्शन है चीना एंड विच स्टेट वोन द संतोष ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटिल बाई डिफीटिंग वेस्ट बंगाल तो सही आंसर है ऑप्शन भी केरला दोस्तों विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विच एन एम टू टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल लिक्वर इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स एफ आई सी एन अन अकाउंटेड गोल्ड कैश इसके पर एक्शन लेने के लिए तो ऑपरेशन सतर्क है दोस्तों विच स्टेटमेंट इस ट्रो रिगार्डिंग द वर्ल्ड फूड प्राइज ऑब्वियसली इसमें तो सारे स्टेटमेंट्स आपको ट्रू uh, ही रहेंगे बट याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा नहीं देगा आपको ये इसीलिए दे रहा है ताकि आप क्वेश्चन में ही कुछ पॉइंट सीख सकें दोस्तों नेक्स्ट वेयर इज द ज्ञान व्यापी मस्जिद सिचुएटेड विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली तो ऑप्शन है वाराणसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच तो ऑप्शन डी दैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर त्रिशुरपुरम फेस्टिवल केरला सुरी लि फेस्टिवल मनीपुर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो आंसर किंग चलिए अभी चलते हैं हम सेट नंबर सिक्स की ओर जी हाँ विच कंट्री हैज अनाउंस टू ऑनर द प्रेजिटेंट ऑफ यूक्रेन व्लाडोमिर जेलेंसकी इट्स टॉप स्टेट ऑनर दैट इज ऑप्शन एज जेक रिपब्लिक दोस्तों वट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन एइथ मार्च तो ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी टूडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया इट विल सेट अप अंडर द मिनिस्टर ऑफ आयुष इन विद स्टेट दैट इज ऑप्शन ए जामनगर गुजरात दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बिंग बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट तो ऑप्शन डी हो गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी इंडिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर हैज बीन ओपन बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो सही जॉब है इसका ऑप्शन सी मुंबई हो गया दोस्तों विच मिनिस्ट्री एज रिसेंटली लॉन्च डोनेटेड पेंशन इनिशियेटिव तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड विच ऑफ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों एफ ए टी एफ के प्रेसडेंट टी राजा कुमार न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यूंग सुक यू ऑल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगेरी तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सो इंडिया फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हैज बिन कमीशन बाय विच रेलवे जोन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे जोन टू एनकरेज वुमेन स्पेशल एनकरज प्रोग्राम ड्राइव सामर्थ वॉज लॉन्च मिनिस्ट्री इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई एंड वेर एज द एनुअल समिट ऑफ इंडियन ग्लोबल फॉरम हेल्ड रिसेंटली तो ऑप्शन डी बेंगलुरु दोस्तों संभव एंड सोलभ सोलम भाम इनिशिएटिव वर लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री टू टैकल द प्रोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विच वन इज मैच्ड अमोंग द रिसेंटली लॉन्च स्कीम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैत्री शक्ति ऑन्टरप्रनरशिप स्कीम हरियाणा कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ अम्मा एंड बहिनी स्कीम सिक्किम तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर रीसेंटली विच मिनिस्ट्री इज इन ऑल इंडिया प्रोग्राम ज ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया प्रोग्राम जरोखा किसने ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बनाया जाने की बात की जा रही है तमिलनाडु में विथ स्टेट एज गॉट द फर्स्ट टाइम इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश रिसेंटली विथ स्टेट गवर्नमेंट हेज स्टार्टेड वुमेन एट वर्क प्रोग्राम तो ऑप्शन डी हो गया कर्नाटका दोस्तों ओके इन कोलाबोरेशन विद विच ऑर्गनाइजन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैव लॉन्च कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव टू ब्रिंग गर्ल्स बैक टू स्कूल दैन द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है यूनिसेफ दोस्तों यहाँ देख लीजिए इन विटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन इनागरेटेड रीसेंटली ऑप्शन ए हो गया ग्वालियर एंड विथ स्टेट गवर्मेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दट इट विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ट्रिलियन डॉलर इकानमी द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी महाराष्ट्र दोस्तों यूनिवर्सिटी इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी विल बी सेट अप पुणे में एंड वेयर वॉज द लेव खेल महाकुम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इनाग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है अहमदाबाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स तो ऑप्शन है तेलंगाना हो गया दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हज प्रेजेंट द चिल्ड्रंस बजट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर इट्स एनुअल फाइनेंशियल प्लान ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने पेश किया था इसको नेक्स्ट रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड किसने अनाउंस किया था ये हरियाणा ने इन स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इज बिंग कंस्ट्रक्टेड ये बिहार हो गया दोस्तों यूपीआई वन टू थ्री पे वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल पेमेंट्स तो ऑप्शन सी हो गया आर बी आई एंड वेयर वॉज द इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य उत्सव ऑर्गेनाइज बाई साहित्य अकादमी फ्रॉम मार्च टेंट टू फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन ए न्यू डेली रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द यूज ऑफ कॉन कोविफेंस द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान बेस्ड कोविड नाइन्टीन वैक्सीन तो किसने अप्रूव किया था कैनेडा ने एंड वेयर वॉज द आरोग्य वनम इनाग्रेट बाई प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद विद एम टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स ऑप्शन भी हो गया न्यू डेली बाई विच मिनिस्ट्री द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन कलेबरेशन विद निमह हैंस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हुजेकन दर्थ ऑफ ट्वेंटी थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो ऑप्शन डी शहबाज शरीफ दोस्तों वेर वॉज द नाइनटीन मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हेल्ड इन मार्च टू देन इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी हो गया आगरा अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिलीज बाय द नाइट फ्रैंक ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री एज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर्स देन ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर सो रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर शेन वॉन पासडवे इन को समॉय थाईलैंड इज रिलेटेड टू विच कंट्री ये ऑस्ट्रेलिया के हैं

हैज़ बिन कमिशन बाय बी एस ई एस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन इन न्यू डेली विद स्टेटमेंट इस टू रिगार्डिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों अबो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे कायरो इजिप्ट में और इंडिया रैंक फर्स्ट इन द मिडिल टैली ऑफ टोटल सेवन मेडल्स द इंडियन टीम वोन फोर गोल्ड मेडल्स टू सिल्वर एंड वन ब्रॉन्ज मेडल वेर वॉज द फिफ्थ यूनाइटेड नेशन एनवोरमेंट असेंबली रिसेंटली कंक्लूडेड तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ देख लीजिए वेर वॉज अ थ्री डे विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली गुलमार्ग हो गया फ्रॉम विच स्टेट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड ऑप्शन है मांडवी गुजरात वेर वॉज अ टू डे स्टडी इन मीट इंडिया मीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेइज इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है धाका हो गया दोस्तों इन विच कंट्री आईसीसी उमेस क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउं ट्वेंटी टू वॉज हेल्ड तो न्यूजीलैंड में इनविच सिटी इंडिया का पहला एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स है तो इसका सही जवाब है चेन्नई में द नाइन्थ एडिशन ऑफ एक्साइज स्ली स्टार्टेड ऑन सेवेंथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री दैट इज ऑप्शन डी हो गया श्रीलंका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू मेजर बुक्स पब्लिश रिसेंटली तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो हो गए क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कैप्टन दीपम चटर्जी मिलीनियम योगी मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की सृष्टि झा क्वीन ऑफ इंडियन पॉप रीसेंटली हुज बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटर इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर मोर दैन सिक्सटी मिलियन

पहला है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेडर की बात करें तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही होगा यहाँ का ऑल ऑफ द वो तनिषा कोटिया रिधिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और uh, जो कि स्कीम फॉर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऋषभ पंत जी को ब्रांड अम्बेडर ऑफ डिस टीवी बनाया गया शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड अम्बेसडर बनाए गए हैं अपने ऐड भी देखा होगा द के सी आर किट स्कीम हैज लॉन्च बाय विद स्टेट गवर्नमेंट विद ए नेम टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल आइटम्स टू प्रेग्नेट वुमेन एंड न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो ऑप्शन सी तेलंगाना विच बाल्टिक कंट्री हेज डिक्लेयर इमरजेंसी इन कंट्री आफ्टर रशिया अटैक ऑन यूक्रेन तो ये लिथ्वेनिया दोस्तों हेमानंद बिस्वाल द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज पासड अवे रिसेंटली तो ऑप्शन डी ओरिसा हो गया द रिस पब्लिश बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन हैज बिन ऑथर्ड बाई होम किसने लिखी है ये अनिरुद्ध सूरी जी ने हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स ईज आर करेक्टली मैच्ड ये आपको बोलना है अगेन से मल ऑफ दुक फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सबी मधाबी पूरी बुच फर्स्ट मेन सी ऑफ इकिया इंडिया सुजेन पुलवेरीर, डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चिनरी बांसी पोनप्पा ओके नेक्स्ट विच ऑफ कंट्री द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल भी सेटअप इन द ब्रांच आउटसाइड इंडिया की बात करें दैट इज ऑप्शन ही हो गया दोस्तों यू ए रिसेंटली हुजिकम द हाइएस्ट रन स्कोर इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट तो ऑप्शन भी हो गया रोहित शर्मा एंड रिसेंटली कुंभालंगी विलेज बिकम द फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री इट इज सिचुएटेड इन विथ्स स्टेट uh, की अगर बात करें तो ऑप्शन सी केरला एंड रिसेंटली हु बिकम द फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट फिफ्टीन ओडी आई फॉर इंडिया तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रीचा घोष द थर्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन बेलगाम फ्रॉम फिफ्थ टूटी सेवन टू मार्च टेंथ की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों जापान वेर इज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बींग बिल्ट तो ऑप्शन सी डेली हो गया एंड वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंडियन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बात करें तो ऑप्शन भी फोर्टी थ्री दोस्तों विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज वन द गोल्ड मेडल एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल इन फेब्रवरी टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ई हो गया दोस्तों मीरा बाई चानू एंड विच ऑपरेशन हैज बिन लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन तो सही जॉब है इसको ऑपरेशन गंगा दोस्तों ऑप्शन ए विच कंट्री शेर द फर्स्ट ब्रिक्स शर्पा मीटिंग फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

रमेश बाबू प्रग्ञानंद बिकम द यंगेस्ट एवर्चेस्ट प्लेयर टू डिफीट विच वर्ल्ड चैंपियन ऑप्शन है मैग्नेस कार्लसन इन विच स्टेट किसान मोबाइल ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाई आई आई टी रूर्की रिसेंटली दैट इज़ ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड इन विच स्टेट एंड ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम नेम पराया शिक्षायाज बिन स्टार्टेड टू प्रोवाइड ओपन एजुकेशन टू प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स तो ऑप्शन डी हो गया वेस्ट बंगाल द नेशन वाइड कैंपेन ऑपरेशन आहट हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑर्गनाइेशन टू कब ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी आर पी एफ दोस्तों इन फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वन ओशन समिट वॉज ऑर्गनाइज बाई विच कंट्री इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड द ओल्ड बैंक तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस हो गया हु हैज बीन कन्फर्ड विद हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दोस्तों बिल गेट्स जी को दिया गया है एंड बिट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट सदभावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों असम नेक्स्ट देखते हैं द फिफ्थ एंड फाइनल वेजल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वहीकल प्रोजेक्ट वॉज डिलीवर्ड बाई गोवा शिप यार्ड लिमिटेड हुज नेम वॉस उसका नाम क्या था ये बताना है तो ऑप्शन है आई सक्षम एंड लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बींग बिल्ट इन देहरादून हैज़ गॉट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विच रिवर इट इज़ लोकेटेड ऑप्शन सी यमुना रिवर दोस्तों हु वॉज गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ऑप्शन ए हो गया चंद्रभान ख्याल मैज द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स मेड इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो uh, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ये है दोस्तों विक्रम मिश्री जो कि डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दिलीप संगानी जो कि इफ्को के, के चेयरमैन हैं पुष्प कुमार जोशी जो कि एच के न्यू चेयरमैन है रागेंद्र तनवर चेयरमैन ऑफ आई सी एच आर रिसेंट इन्वेस्टेड एय रोड नरेंद्र मोदी मार्ग हैज़ बिन इनाग्रेटेड कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है सिक्किम में इन्वेस्टेड सुराई इको टूरिज्म जोन एंड काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेड वाज इनागरेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन डी हो गया उत्तराखंड

डिजिटल बुक इनोवेशन फॉर यू द इन जनरस और इंजीनियर्स टिंकर रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर एंड बुक्स आर करेक्टली मैच ऑल ऑफ दुक टर्न ओवर रिजोर्ट सेवियर ऑफ थाउजेंड डॉक्टर अरूप राय चौधरी ने लिखा है इंडिया दट इज भारत जी साई दीपक अटल बिहारी वाजपेयी सागरी का घोषणा भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर इज बिंग डेवलप बाई विच स्टेट गवर्नमेंट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब

तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन भी हो गया आर्टिशनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर द स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट हाउ मेनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कस आर प्रोपोज टू सेटअप इन यूनियन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है फोर एंड हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट वूमन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है जारा रुदरफोर्ड

एंड विच मिनिस्ट्री हेज लॉन्च आहर क्रांति मिशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो ऑप्शन हो गया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सो सेट सेवन के एक आंसर की है उसका चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों चलिए <coughs> आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट नंबर एट देखते हैं क्या है क्या पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज बी बिल्ड कहाँ पे बनाया गया है ऑप्शन डी दुबई में दोस्तों रिसे पब्लिश बुक नोन एज एंटी नेशनल्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दैट इज आर एस एन सिंह दोस्तों ओके विच कंट्री हैज इंडियन आर्मी प्रोक्यूड एंड एडवांस फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडियन आर्मी प्रोक्रूड एंड एडवांस द हीरो ड्रोन अंडर द सर्वेलेंस इमरजेंसी प्रोक्रूटमेंट क्लॉज फॉर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी इसराइल के साथ हम लोगों ने लिया था दोस्तों ओके ऑप्शन सी इज राइट आंसर विच स्टेट गवर्मेंट हज़ लॉन्च अ प्रोजेक्ट समाही टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन दर टंग तो ऑप्शन ब हो गया उड़ीसा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हेज़ लॉन्च आकांक्षा प्रोग्राम टू एनहैस द एजुकेशन एम्पॉर्व ऑफ मेरीटोरियस स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स तो ऑप्शन हो गया मध्य प्रदेश विच वन इज करेक्टली मैच विद रिस्ेपेक्ट टू द रिसेंटली पब्लिश बुक तो ऑप्शन डी हो गया डॉक्टर सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेस लिखा है अयाज़ मेनन इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी सेवन गौतम चिंतामणि द मिड वे बैटिल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म रिसली गीता गोपीनाथ इज अपंटेड एज अ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन है आई एम एफ असीम पोर्टल इज लॉन्च बाई विच ऑफ दिनिस्ट्री टू सप्लाई स्किल्ड वर्क फोर्स एज पर दर्केट डिमांड तो ऑप्शन बी होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनपिनशिप नेक्स्ट विच ऑफ दैक्टली मैच अगेन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि ये चाहता है कि आप लोग ऑप्शन से ही सीखें तो इंडिया ह्यूमन राइट्स डे टू थाउंड ट्वेंटी वन इक्वालिटी रिड्यूसिंग इन इक्वाली एडवाजिंग ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल माउंटेन डे टू थाउजेंडेंडें ट्वेंटी सस्टेबल माउंटेन माउटे टूरिज्म थीम्स है एक्चुअली नेक्स्ट रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट एज अप्रूव टू इम्प्लीमेंट द सेल्फ रिलायंट फार्मर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम जी हाँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश अटल वायो अभ्युदया योजना वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलिंग मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन यह हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट

प्राइम मिनिस्टर नेंद्र मोदी हेज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेस वे इन विच स्टेट तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों शाहजहांपुर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई टाइफून राय इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन सी हो गया फिलिपींस इन सिटी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ऑन्टरप्रिनरशिप सेंटर मेट टेक वॉज इनागरेटेड तो ऑप्शन भी हो गया लखनऊ पिंक फोर्स हैज बीन फॉर्म बाई विद स्टेट गवर्नमेंट टू डील विद द क्राइम अगेन्स्ट मेन चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन गोवा द रिसेंटली लॉन्च स्कीम आयाम शक्ति उड़ान योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों राजस्थान एंड रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम दैट इज ऑप्शन भी हो गया नीति आयोग विच इंडियन ऑरिजिन जज हैज बिन अपॉइंटेड एज हाइएस्ट जुडिशियल बेंच ऑफ साउथ अफ्रीका तो सही आंसर है इसका ऑप्शन है नरेंद्र जॉडी कोलापन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द घसीयारी कल्याण योजना विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फॉर्डर टू द कैटिल ओनर्स की बात करें तो ऑप्शन डी उत्तराखंड मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों हरियाणा हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ फर्स्ट मिस इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स रिसेंटली तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी पर्ल अग्रवाल मुख्यमंत्री युवा संभल योजना लॉन्च टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है स्कीम राजस्थान ने दोस्तों उत्तम सीट पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विद स्टेट गवर्नमेंट विद द एम टू कीप ट्रांसपेरेंसी इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीट्स की बात करें तो ऑप्शन सी हरियाणा हो गया दोस्तों नेक्स्ट राइस वाज गिवेन जी आई टैक स्टेट आपको पूछा जा रहा है तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी हो गया केरला जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी हो गया डेली एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेट द स्टैचू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य इन नवंबर 2021 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केदारनाथ द गवर्नमेंट ऑफ विच हैज ऑफ द फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट कमिटी कॉइन ऑन महात्मा गांधी विच इज माई लाइफ इज माई मैसेज हैज़ बीन कोटेड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है यूके दोस्तों विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च श्रामिक मित्रा स्कीम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स टू द वर्कर्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दिल्ली भद्राचलम हैज़ बीन एडेड एज डेस्टिनेशन आई आर सी टी सी रामायण सर्क्यूट ट्रेन इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों तेलंगाना सो इंडिया फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज़ बिन लॉन्च इन विच ऑर्गेनाइजेशन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी हो गया दोस्तों आई टी गुवाहाटी फॉर साइबर सिक्योरिटी विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च ए कैंपेन नेम सेफ्स थ्री एंड माई कानून तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है

तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है इंडियन ओशन एट विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट पॉड होटल ऑफ इंडियन रेलवे इनगरेटेड तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेसांग अमॉन्ग इट्स कस्टमर्स अबाउट ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड्स ए कैंपेन नेम मू बंद रखो वॉज लॉन्च बाय ऑप्शन बी एच डी एफ सी बैंक दोस्तों इन विच कंट्री द एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट इंडियन एसोसिएशन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वॉज हेल्ड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी बांग्लादेश विच ऑफ़ द फॉलिंग स्टेट गवर्मेंट हेज लॉन्च द मदर ऑन कैंपस इनिशियेटिव की बात करें तो ऑप्शन बी त्रिपुरा ऊर्जा सशक्त अभियान हैज बिन स्टार्टेड बाई विच स्टेट गवर्मेंट रिसेंटली करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड विच ऑफ द फॉलिंग इज करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू द रिसेंटली पब्लिश बुक्स तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दर्थ दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंड अंडर विच प्रोग्राम द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सी एस आई आर जिज्ञासा प्रोग्राम According to the recently released report, which state has become the largest manufacturing hub of the country? That is option D, Gujarat. Which state police has been awarded the President Colour Award in December 2021? to option C, Himachal Pradesh. And recently, which state government has launched back-to-work scheme for women? to option D, Rajasthan. Which state has topped in the recently released India Skills Report 2022? to option C, Maharashtra. Which state government has declared Thai Vastu as its state song? तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों तमिलनाडु सो हियर इज द आंसर की ऑफ सेट नंबर एट तो आप स्क्रीन ले सकते हैं चलिए सेट नंबर नाइन पे चलते हैं हम अभी होयसला स्ला हैव हाँ है इंक्लूडेड इन इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर ओल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022-23 इट इज लोकेटेड इन विट्स स्टेट आपको कौन से स्टेट uh, में लोकेटेड है ये आपको बताना है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन ए कर्नाटका दोस्तों बहुत सारे हैं यहाँ हम्पी जो आपने सुना होगा नाम विजयनगर में द मॉस्को टेम शेरा वॉज अनवीड ब चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर ऑफ विथ स्टेट टू स्प्रेड अवेरनेस अमॉन्ग वोटर्स तो ऑप्शन है पंजाब रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल हैज़ बीन फाउंड तो ऑप्शन बी पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच इन द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स टू ऑल ऑफ द अब ही होगा ऑब्वियसली आप देख लीजिएगा ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट होंगे विद सिटी हैज़ रीप्लेस द बैंगलोर एज अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ऑप्शन सी डेली हो गया दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज बिन डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट ओई साइट की बात करें तो ऑप्शन भी अरवली बायोडाइवर्सिटी पार्क द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थर्ड बॉर्डर हाथ ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश बिन लेड एट विच स्टेट बॉर्डर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी त्रिपुरा रिसेंटली पनौरा धाम हैज बिन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्क्यूट ऑफ स्वदेश दर्शन योजना इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसको दट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों सीतामढ़ी बिहार दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं

According to the economic survey 2021-22, which state of India had recorded the highest production of maize in the year 2020-21? की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कर्नाटका। राष्ट्रीय एकता गीत composed by cadet of National Cadet Corps in 22 language was launched by ऑप्शन सी राजनाथ सिंह दोस्तों। Which country has for the first time installed a space telescope under the water that will search for the neutrinos? That is ऑप्शन बी रशिया हो गया दोस्तों।

And which organization has been granted observer status by United Nations General Assembly? So it's the answer. Hai, that is option A, International Solar Alliance. Which country hosted the ninth meeting of the BIMSTEC Joint Working Group on the Counter Terrorism and Transnational Crime to option B, Bhutan ho gaya. And where was the first international conference on hydrogen energy policies, infrastructure development, and challenges held to answer the option in New Delhi? Dosto. यूनवि सिटी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च इंडिया का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द ईस्टर्न फेरी फेरल एक्सप्रेस वे की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों गाजियाबाद इन विच कंट्री साइंटी हैव अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ परफेक्टली प्रिजर्व डाइनासोर एम्ब्रो विच इज अबाउट सिक्सटी सिक्स मिलियन ईयर्स ओल्ड दैन द करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हो गया चाइना मीनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विल बी डेवलप एंड मैन्यूफेक्चर ड्यूरिंग द नेक्स्ट थ्री इस एज पर यूनियन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन बी फोर हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर एंड द बुक इज करेक्टली मैच दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफो द मॉन्ग हु ट्रांसफर यूपी शांतानु गुप्ता इंडिया एशियन लेगेसी रेखा चौधरी एटीन फिफ्टी सेवन द स्वर्ड ऑफ मस्तान विनीत बाजपाई विच प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी And Indo-German Science and Technology Center to promote women researchers ki baat to option a visor program. Ho hai. According to the Indian State of Forest Report 2021, what percent of total geographical area is covered by forest in India? So the correct answer is that is option C 21.71%. Which warship decommissioned by Indian Navy after 32 years of service has been handed over to Dadranagar Haveli and Daman and Dayu region will be converted into museum. तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन है आई खोखरी दोस्तों हु हैज़ बीन चूजन एज अ वर्ड ऑफ़ द ईयर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों परजवरेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिलीज बाय राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप विद स्टेट इंड यूनिटी हैज सीन द मेक्म नंबर ऑफ़ अटैक ऑन जर्नलिस्ट की बात करें दैट इज़ ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर एंड रिसेंटली लॉन्च मिशन इंदिरा धनुष फोर पॉइंट टू एम्स टू बेनिफिट विथ क्लास ऑफ पर्सन दैट इज़ ऑप्शन डी चिल्ड्रन एंड

ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ सेंट्रल जेल हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स रेडियो चैनल जेल वॉनी एफ की बात करें तो किसने स्टार्ट किया था ऑप्शन डी इंदौर एंड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम हंड्रेड परसेंट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया तो इसका जो तो सही जवाब है ऑप्शन बी डाबर दोस्तों हु हैज बिन अपॉइंटेड एज खादी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार देन ऑप्शन ए मनोज तिवारी विच ऐप हैज बिन लॉन्च बाई डब्ल्यू एच ओ टू हेल्प क्विट टोबैको करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी क्विट टोबैको ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी पोलिस हज लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शास्त्रा ऐप की बात करें तो ऑप्शन बी डेली हो गया एज पर द बजट एस्टिमेट द इंडियन प्राइमरी डिफिशियट इन द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी इज ऑप्शन बी टू पॉइंट ऑफ जी डी पी दोस्तों दी थ्री मूवमेंट वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट डब्ल्यू एफ डावर्स एजेंडा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉट इज मेंट बाई पी थ्री दट इज ऑप्शन सी प्रो प्लैनेट पीपल

रिलीजन रिलीजन एंड नेशनवाई शफाई किडवा एंड एक्चुअली आई मेट द मेमोर गुलजार दोस्तों ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बाय हुम द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फ्यूचर टेक टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज ऑर्गनाइड तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी हो गया kare, B, Karwar, दोस्तों सी आई आई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वेर इज इंडियन नेवी बिल्ट एशियाज लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी करवार कर्नाटका दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइंटिस हज़ बिन सेलेक्टेड एज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रेसिपियट ऑफ जे ए क्यूशम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फॉर फॉरामिफेरल रिसर्च की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी राजीव निगम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हेज लॉन्च एन ई नेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव टू प्रमोट यूथ पार्टिसिपेशन इन ऑन्टरप्रूनरशिप की बात करें तो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई इन विच स्टेट इंडिया का पहला बैम्बू विलेज हैज़ बिन एस्टैब्लिश टू बूट द इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो ऑप्शन डी त्रिपुरा हो गया दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस स्टैब्लिशन ओमकरेश्वर मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू दैट इज ऑप्शन ए आदिशंकराचार्य सो दिस इज सेट नंबर नाइन आंसर की आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर टेन में हम आ चुके हैं सो हुजिन अवार्डेड द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टू की बात करें तो ऑप्शन सी पी आर श्रीजेश साहब रिसेंटली बिच कंट्री ऑफ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी यू इंडिया का पहला जुआलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट तो ऑप्शन है जबलपुर एम पी विल विल बी द फर्स्ट स्टेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन वी बिल्ट तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सूरत एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग द एट फिफ्टी मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों चिनाब एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन सी अमेरिका हो गया दोस्तों विच स्टेट गवर्नमेंट एज रिसेंटली लॉन्च राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात करें तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हो गया विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर द 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू लॉरस वोल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड तो करेक्ट तो आंसर इसको है इसका ऑप्शन है नीरज छोपड़ा दोस्तों हु हैज बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज ऑफ इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया चेन्नई सुपर किंग्स विच कंट्री हैज वोन द अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल हेल्ड इन वेस्ट इंडीज की बात करें तो ऑप्शन सी इंडिया रिसेंटली हु हैज हैजिन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जे एन यू की बात करें तो ऑप्शन ए शांतिश्री धुलपुड़ी पंडित दोस्तों विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ एएफसी एफ एशिया कप 2022 हेल्ड इन इंडिया इन फ़रवरी 2022 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चाइना हो गया रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव डीएनए एन ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19 तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इंडिया दोस्तों विच स्टेट टैबलू हैज वोन द बेस्ट टैबलू अवार्ड इन रिपब्बल्लिक्लिक्लिक डे परेड टू तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड रिसेंटली द इंटरनेशनल कमिटी हैज़ अनाउंस टू ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फॉर द ओलंपिक्स 2028 सर्फिंग स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये तीनों लाने वाले हैं दोस्तों इज फर्स्ट न्यूक्लियर मिजाइल एंड वेपन ट्रैकिंग वेजल की बात करें तो ऑप्शन है आई एन एस ध्रुआ हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच ऑप्शन डी हो गया दोस्तों न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीआरटी दिनेश प्रसाद सखलानी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो राहुल भाटिया एंड न्यू प्रेजिडेंट ऑफ यूजीसी जगदीश दोस्तों अभी इंडिगो के सी बदल चुके हैं उनका नाम आप याद रख लीजिएगा द रिसेंटली लॉन्च सेज प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री दैट इज ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पॉर्मेंट विच फेमस सिंगर हु हैज अवार्डेड भारत रत्न इन ईयर 2021 थाउजेंड डाइड ऑन सिक्स फेब्रवरी 2022 द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है लता मंगेशकर जी नेक्स्ट व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन सेकंड फेबर 2022 थाउजेंड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर

The Prime Minister Narendra Modi has set a target of making a country energy independent by which year? Option C, 2047. Which Indian film was awarded the best film in the Asia Film Festival at the 28th Dhaka International Film Festival 2022? Option A, e, Kuzangal, friends. Whereas the country's first para badminton academy recently established, to option C, okay. Next, dekhte, who among the various appointments held in January 2022 is correctly matched. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली बुक मेजर बुक्स मीनाक्षी लेखी इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किरण बेडी फियरलेस गवर्नेंस हो गया दोस्तों ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार करेक्टली मैच अगेन पर्सन और रिलेटेड एरियाज तो तिरु तिरुआर नागास्वामी आर्कोलॉजिस्ट है मिलिना सलवेनी कथकली से रिलेटेड है चरणजीत सिंह ये हॉकी प्लेयर है दोस्तों नेक्स्ट इन जनवरी 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू देर वॉज अ कू बाय द आर्मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री तो ऑप्शन सी हो गया बुरखीना फैसो रिसेंटलीज बिन कॉन्फर्ड द असम वैभव सम्मान बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम तो ऑप्शन है रतन टाटा द फिफ्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एट कुड़ाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन कोलाब्रेशन विद विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी रशिया हो गया दोस्तों इन्वेस्टेड इंडिया का पहला ग्राफिन इनोवेशन सेंटर इज बिंग एस्टैब्लिश रिसेंटली तो इसका जो तो तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन है केरला हु अमंग द फॉलिंग हैज नॉट अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी आचार्य चंदना जी हुजी ऑनर्ड विद अ परम विशिष्ट सेवा मेडल इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए नीरज छोपड़ा चले बीच इंडियन फिल्म हैज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिसली तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों जय भीम एंड मराकर धोबी एंड हु हैज रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट की बात करें तो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी इन विच स्टेट इंडिया का पहला बर्ड एट लॉस हैज बिन प्रिपेयर्ड तो ऑप्शन बी केरला हो गया इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री नाइन्टी डेज एनवरमेंटल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यू टू ऑइल स्पिल तो सही जॉब है इसका ऑप्शन सी पेरू दोस्तों विच स्टेट इज टू रिगार्डिंग द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेन ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें दट इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू राफेल नडाल वोन द मैन सिंगल टाइटिल एंड एश्लिक बार्टी वोन उमेन सिंगल टाइटिल इन विच कंट्री लोकेट इन साउथ पेसिफिक ओशन ए वालकनिक टू प्लेस इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी टोंगा एंड वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है गुरुग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री इंडिया इज प्लान टू कन्वर्ट वन फिफ्टी विजेस इं विलेज ऑफ एक्सलेंस तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक इनागरेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन ए है नैदरलैंड दोस्तों okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव विच फेवरेट हिम

बृद् मुखाम देव उनको बनाया गया है दोस्तों ओके सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट मेटरल मोटेलिटी रेशियो की बात करें दैट इज ऑप्शन सी केरला एंड विच ऑफ द फॉलो स्टेट्स बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स दोस्तों दैट इज ऑप्शन है तेलंगाना ठीक है सो विच स्टेट हैज टॉप इन द स्टेट एनर्जी एफिशियंसी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर दैट इज ऑप्शन ए कर्नाटक हो गया एंड हु अमॉंग द फॉलोइंग वज नॉट गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड Under the National Sports Award 2021, that is option D, Bhavani Devi. Ho gaya. The 18th ASEAN India Summit was held under the chairmanship of which country in October 2021? Correct answer is option C, si, Brunei. Dosto. Okay. Which of the following city has been named as UNESCO World Book Capital for 2022 23, uh, respectively? That is option A, uh, Gudalajara, Mexico, and Accra, Ghana. Ka hai, dosto. Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन सिक्स अक्टूबर टू द यूएस स्पेस एजेंसी नासा लॉन्च द ल्यूसी मिशन टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऑफ विच प्लानट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जुपिटर हो गया एंड हु इज नॉट मैच विथ रिगार्डिंग टू द डेथ इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कौन सा मैच नहीं हुआ है दैट इज ऑप्शन सी वो चंद्रशेखर इंडियन हॉकी प्लेयर ठीक है बाकी सब अगस्त में ही इनका जो डेथ हुआ है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट समृद्धि प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंडेंट ट्वेंटी वन दट इज ऑप्शन बी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कई सारे बच्चे कॉमेंट्स मार रहे हैं कि सर इसमें टू के भी करंट अफेयर्स हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये गलत बात है दोस्तों आपने एस का एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स को उठा के देखिए एक बार या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए 2020 के भी ये लोग पूछ रहे हैं इतना टफ बना दिया है आज करंट अफेयर्स को वो जमाना जा चुका है छह महीने के करंट अफेयर्स पढ़ना एटलीस्ट आपको एक साल का तो करंट अफेयर्स पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आप यू नो कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं एग्जाम में ठीक है तो ये वहम निकाल दीजिए अभी टफ होता जा रहा है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी हो गया केरला दोस्तों ठीक है दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर एस सेवेंथ नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट ये आपको बताया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है आहार क्रांति मिशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें दैट ऑप्शन है मिनिस्टर वेलफेयर इन विच ऑफ दिटीज इज द वर्ल्ड स्टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वील बींग बिल्ट तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दुबई हो गया द नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी टू थाउजेंड फिफ्टीन सॉरी टू थाउजेंड सिक्सटी एम्स टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बाई विच ईयर दट इज ऑप्शन डी टू ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पंख अभियान ऑन द अकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे विद एन एम टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों ठीक है नेक्स्ट एज पर द यूनियन बजट टू थाउजेंड द फिजिकल डिफिज इन द फाइनेंशियल ईयर इज एस्टिमेटेड टू वॉट परसेंटेज ऑफ जी जो दो हजार का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फिजिकल डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है दैट इज ऑप्शन है सिक्स पॉइंट फोर परसेंट ठीक है सो वो इज ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक नोन द एंटी नेशनल्स दैट इज ऑप्शन डी आर एस एन सिंह हो गया द कंट्री फर्स्ट स्की पार्क विल बी सेटअप इन द वि स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी विद एन एम टू प्रमोट टूरिज्म तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश दोस्तों राइट मार्च टू थाउजेंड एग्रीमेंट इंडिया विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स की बात करें दैट इज ऑप्शन बी जापान हो गया ठीक है एंड हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दटॉन ऑफ ऑनर बाय द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करें दैट इज ऑप्शन सी किरण बेडी हो गया इन विच ओशन विल बी द फर्स्ट जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की बात करें दैट इज़ द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है इंडियन ओशन दोस्तों सो विच ऐप हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपैंड द फैसिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिशरीज की बात करें दैट इज ऑप्शन बी मेरा राशन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजें ट्वेंटी टू विथ स्टेट ऑफ इंडिया एंड है हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक के पास जो है हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज था दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो हु हैजीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की बात करें तो अजय माथुर जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो भाविना पटेल हु रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएट विपोर्ट स्पोर्ट कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है पैरा टेबल टेनिस दोस्तों द मलबा टू थाउजेंड ट्वेंटी विच टू कंट्रीज तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस ए द किसान कल्याण मिशन वॉज लॉन्च बाई विथ स्टेट गवर्नमेंट विद एन एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स की बात करें तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो गया ओके परशुराम कुंड मेला वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट परशुराम कुंड मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ठीक है सो इन विच स्टेट वॉज अ फ्रेंच फ्रूट केक मूवमेंट इज इन द न्यूज़ वॉज रीसेंटली फ्रेंच फ्रूट केक मूवमेंट इन द न्यूज रिसेंटली ये आपको पूछा जा रहा है दैट इज़ महाराष्ट्र हो गया ऑप्शन ए एंड अब्दुल रजाक गुरना वॉज अवार नोबल प्राइज इन द लिटरेचर फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच कंट्री ही बिलोंग्स टू ये क्वेश्चन है आपको कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी जो है तंजानिया से बिलोंग करते हैं विच कंट्री हैज़ अस्ट द फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड स्पेस टेलीस्कोप अंडर द वॉटर दैट विल सर्च फॉर न्यूट्रीनोस दैट इज ऑप्शन बी रशिया हो गया ठीक है द नाइंथ हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री ऑन थर्टी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड दैट इज ऑप्शन ए तजाकिस्तान हो गया दोस्तों एंड हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी करेट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द्लियर चलिए नेक्स्ट हमारा चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी बुनाई हो गया इन which सिटी was the ओल्ड इकोनॉमिक फॉरम Annual सस्टेनेबल डेवलपमेंट Impact समिट 2021 held in वन इन कहाँ पे हुआ था है दट इज ऑप्शन सी जेनीवा में हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सो विच मराठी नॉवलिस अनाउंस बाई के के बिरला फाउंडेशन टू कंफर्ट सरस्वती सम्मान टू की बात करें तो किसको दिया गया है तो ऑप्शन डी हो गया शरण कुमार लिम्बाले जी को सो विच कंट्री हैज़ ओवर सऊदी अरेबिया इन 2021 टू थाउजेंड ट्वेंटी सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर की बात करें

दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों आई एन एस इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल दैट इज ऑप्शन डी जय शाह एंड नासा हैज डिसाइडेड टू डेवलप अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इन विद कोलाब स्पेस एजेंसी दैट इज ऑप्शन सी हो गया इसरो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रंस रिस्क इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो कि रिलीज किया गया है यूनिसेफ के द्वारा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दो पहला जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रैंक फर्स्ट अमॉंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड सेफेस्ट कंट्री वॉज आइसलैंड है और इंडिया का रैंक छब्बीस है ठीक है सो ऑन डिसंबर एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दंट्री फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत पास है इन हेलीकॉप्टर क्रैश बहुत ही दुर्घटना के हुआ था उस टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हिम तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनका जन्म हुआ था पौरी डिस्ट्रिक ऑफ उत्तराखंड ही डाइड इन कूनूर तमिलनाडु ही प्लेड ए मेजर रोल इन द प्लानिंग ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक इन टू थाउजेंड सिक्सटीन दोस्तों ज बीन अपॉइंटेड बाई द ट्विटर एज इज न्यू सी ओ रीसेंटली तो पराग अगरवाल को अपॉइंट किया गया है एंड विच ऑफ द फॉलिंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च स्वस्थ एंड आरोग्य लोन स्कीम फॉर एमएसएफ की बात करें तो ऑप्शन बी सीड बी हो गया दोस्तों सो वेर वॉज द सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका डेट इज ऑप्शन सी ग्लासगो हो गया ठीक है द आइडल ऑफ अन्नापूर्ण विच वॉज स्टूडेंट हंड्रेड ईयर्स अगो हैज रिसेंटली बीन ऑप्टेन बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम विच कंट्री इज़ ऑप्शन डी कैनडा से सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट नंबर इलेवन ये आंसर की आप देख सकते हैं ठीक है चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं, दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर ट्वेल्व के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर ट्वेल्व तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दीप पोशन मिशन वॉज लॉन्च बायिस्ट्री रिसेंटली तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ने इसको लॉन्च किया है और आम आदमी पार्टी लीडर भगवत मन ठीक है, रिसेंटली सोन एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब के बने हैं। विद स्टेट मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट इट सिटीजन तो नागालैंड ने लॉन्च किया है एंड विच ऑफ दिन स्विच ऑफ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन की बात करें दैट इज ऑप्शन डी तेलंगाना यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च इंडिया मैंड ओशन नेम्ड एज ऑप्शन बी समुद्रयान एंड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिलीज्ड इन अक्टूबर 2021 तो ऑप्शन सी वन नॉट वन रैंक है दोस्तों नेक्स्ट वो अमॉंग द फॉलोइंग इज नॉट अमॉंग द रिसपियंट ऑफ नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर टू की बात करें दैट इज ऑप्शन बी दिमित्री मुरातो द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ ये क्या है आपको पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन ए रस्किन बोर्ड ने इन्होंने लिखा है दोस्तों पावर मिनिस्टर आर के सिंह ठीक है

सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरेट्री दट इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉक टावर हैज़ बीन इनागरेटेड तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी दिल्ली हो गया दोस्तों सो विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट गुआंगू की बात करें दैट इज़ करेक्ट आंसर है इसका दट इज ऑप्शन ए चाइना हो गया एंड विच इंडियनशिप पार्टिसिपेट इन द नेवी डे सेब्रेशन ऑफ रशियन नेवी एट सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो करेट आंसर इसका ऑप्शन भी एन एस

So, who has become the new Control General of Accounts of India? That is option C, Sonali Singh. And Fumio Kishida has recently been re-elected as a Prime Minister of which country? That is option B, Japan, dosto. The sixth edition of the Joint Military Exercise Sakti 2021 was held between India and which country? So, France, okay. The government of India is constructing the 850 megawatt Rattle hydroelectric project on which river? तो ये पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन डी चिनाब हो गया एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज ऑप्शन ए अमित शाह दोस्तों एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन द मंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कहां पर इनाग्रेशन हुआ था जॉर्जिया में एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया आपको पूछा जा रहा है दोस्तों काजा कल्लास ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंट्रीज वॉज अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन अप्रैल नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी यूएसए ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज दस्तलिक टू हैज कम इन उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो किसके बीच में हुआ था उसगे बिस्तान के बीच में हुआ था याद रख लीजिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन सो वट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड द ग्लोबल पीस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी बात करें तो वन थर्टी फाइव रैंक है एंड हु इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिजाइल एंड वेपन ट्रैकिंग वेजल की बात करें दट इज ऑप्शन है आई एन एस ध्रुआ मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वॉज लॉन्च बाई स्टेट गवर्नमेंट विदर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड टू लैंडलेस फैमिलीज तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों एंड कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू वॉज मार्ट्रेड इन गलवान वैली वॉज कंफर्ड विद विच नेशनल अवार्ड तो सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर चक्र दोस्तों लद्दाख है साइन एंड अग्रीमेंट विद स्टेट टू मेक लद्दाख एन ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी दैट इज ऑप्शन डी सिक्किम हो गया द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनविरामेंट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सेलिब्रेटेड ऑन जून फिफ्थ वॉस ऑप्शन सी इको सिस्टम रेस्टोरेशन सो वेर इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बींग एस्टैब्लिश्ड दैट इज ऑप्शन सी साउथ कोरिया हो गया दोस्तों एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आईसीसी मिन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑस्ट्रेलिया बीट न्यूजीलैंड टू विन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम डेविड वॉर्नर वॉज चूजन एज अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सो इन विच अफ्रिकन कंट्री द सिटी हैड टू एवैक्ट ड्यू टू इरप्शन इन द वालो नियरा गोंगो की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोस्तों

ज बीन रिसेंटली डिक्लेयर द मलेरिया फ्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी चाइना हो गया दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो हू फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द रिस ऑफ टू रिसेंट नोबेल 2021 प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स की बात करें दैट इज ऑप्शन बी एड पटापोटियन ठीक है पूछा जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है ठीक है एंड विच पोर्टल एज बिन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड पेंशन हाँ जी सोल्जर्स को पेंशन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने अलग पोर्टल ही लॉन्च किया है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी स्पर्श पोर्टल द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड ट्वेंटी फोर बाई सेवन आवर्स ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी पूरी हो गया स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पेस एक्स लॉन्च ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट अंडर ए सिंगल मिशन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वन फोर्टी थ्री क्लियर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो हु बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट कोविड नाइनटीन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी व्यांग जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों ठीक है सो वेर इज द हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट द जॉय ऑफ प्लांटिंग ए न्यू क्रॉप दैट इज ऑप्शन ए उत्तराखंड एंड वेर विल द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग सिक्स लैक विलेजेस ऑफ इंडिया टू द इंटरनेट बी अचीव्ड दैट इज ऑप्शन बी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेट ए टारगेट ऑफ मेकिंग कंट्री एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर दैट इज ऑप्शन सी 2047 एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज डिक्लेयर विच ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात करें तो ऑप्शन सी 2023 सो यहाँ पे आंसर की आप देख सकते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्टीन दोस्तों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए सो इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम हैज बिन लॉन्च इन विच स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कर्नाटक हो गया विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च न्य न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन दट इज ऑप्शन ए गुजरात एंड हु द फॉलिंग एज वन द प्रेस्टिजियस सेवेंटी मिस ओल्ड टू टाइटल की बात करें दैट इज ऑप्शन ए कैरोलीना ब्लेवास्का सो वेर वज द साफ अंडर 18 वुमेन चम्पियनशिप 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड बिटवीन मार्च फिफ्टीन एंड मार्च ट्वेंटी फाइव तो झारखंड में हुआ था एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2022 की बात की जा रही है दोस्तों ठीक है मिनट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर जो है नीरज छोपरा जी को दिया गया है ओके एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ ईयर फीमेल की बात करें तो मीराबाई चानू स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया लॉवलीना बरगोहन को नेक्स्ट विच प्लेयर हैज वन द एशियन बिलट्स टाइटल हेल्ड इन खतार की बात करें तो ऑप्शन ए पंकज अडवानी विच फार्मर इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स आईकॉन अवार्ड 2022 बाय मालदीवियन गवर्नमेंट दैट इज ऑप्शन ए सुरेश रैना दोस्तों सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप टू दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो क्या है कजाकिस्तान में हुआ था पहला प्लेस कजाकिस्तान को और ईरान को गया और इंडिया जो है थर्ड में फिनिश हुआ था विथ फोर्टीन मेडल्स ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो नेक्स्ट है विच ऐप हैज बिन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्पीड अप एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल वर्क की बात करें दैट इज ऑप्शन डी गरुड़ा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है ई सरकार ऐप वॉज लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पेपरलेस क्विक एंड ईजी दोस्तों तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लाई थी है? ये गुजरात लाई थी दोस्तों ठीक है So, the fifth nuclear reactor at Kundakulam Nuclear Power Plant uh, in Tamil Nadu is being constructed in collaboration with which country? So, correct answer is option C, Russia. Lemru Elephant Reserve is being built by uh, which state? That is option C, Chhattisgarh. Fortune India has released a list of 50 powerful Indian women for 2021. So, who is at the first position in the list? Ki baat that is option C, Nirmala Sitharaman. विच स्टेट गवर्नमेंट एज ओन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करें तो बिहार हो गया रशिया हंडेड ओवर द सेवंथ प्रिगेड टू द इंडियन नेवी बिल्ट एट द एंतर शिप यार्ड तो इसका नाम क्या आपको पूछा जा रहा है तो ये तुशील हो गया दोस्तों ऑप्शन ए विच ऑफ द फोइंग कंट्रीज हज लॉन्च फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जी ही करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है चाइना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इंडियन ऑरिजिनली बीन अपॉइंटेड एज कैनडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर दैट इज ऑप्शन सी अनिता आनंद एंड हुज बीन अवार्डेड एज अ यू एस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेस गोल्ड मेडल की बात करें दैट इज महात्मा गांधी जी को दिया गया है एंड विच बैंक हैज लॉन्च अ सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे होम एच टू द मार्ट्रेट डॉक्टर्स नर्सेज वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कोविड पीरियड की बात करें दैट इज ऑप्शन डी एच डी एफ सी बैंक ठीक है सो वो हैज बिकम द फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड वेयर विल बी द कंट्री फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स मेमोरियल बी ओपन दैट इज ऑप्शन सी मीरठ हो गया दोस्तों सो इज़ अव मेबर कंट्री इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप बाई द ब्रिक्स कंट्री की बात करें दट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दंग्लादेश यारागे एंड यू ए तीनों ने बिल्कुल एक्चुअली नए मेंबर बने हैं दोस्तों ओल्ड लॉन्गेस्ट प्रस्टेड इन सस्पेंशन ब्रिज अरोका कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है दैट इज ऑप्शन सी पोर्तगाल एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू थाउंड ट्वेंटी वन हाउ मेनी स्टेट्स एंड देर वेर मोर देन थर्टी थ्री परसेंट किता थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज कवर्ड बाई कवर तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी सेवेंटीन दोस्तों

दैट इज ऑप्शन सी आगस्ट ठीक है नेक्स्ट है मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट इन विच कंट्री विद्प ऑफ इंडिया हैज़ बिन अवॉर्डेडेडेडेडेड द ब्रुनाई मेडल बाय द लंडन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की बात करें दैट इज ऑप्शन ए भूटान हो गया दोस्तों सो हु इज द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज भीम यू पी आई एप तो भूटान हो गया एंड इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन फॉर आसियन कंट्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ये आपको पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन भी वितनाम ड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो जे वेंट रामू है दोस्तों ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें दैट इज ऑप्शन ए जपान हो गया सो हाउ मेनी न्यू गेम्स टू द टोल्पिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर द फर्स्ट टाइम कितने गेम्स एड किए गए हैं चार गेम एड किए गए हैं दोस्तों ठीक है एज पर द डेटा गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजें ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इंडिया शेयर इन दर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट एंड मीट मेड गुड्स इन द ईर टू थाउजेंड एटीन वॉज दट इज ऑप्शन है टू पॉइंट फाइव परसेंट दैन वल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइस सेक्टर इन द ईयर ट्वेंटी टू एट कॉन्टेंट प्राइज की बात कर रहा है दट इज ऑप्शन डी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है चलिए मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज विच इंडिया अंडर टेक्स इन एसोसिएशन विथ वेरियस कंट्रीज एक्सरसाइजेस के बारे में आपको मैच करवाना है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इंदिरा जो है रशिया के साथ हम लोग करते हैं जईद तलवार जो है हम यू के साथ करते हैं जैर अलबहार जो है ख़तर के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है और वज्र प्रहार जो है हमारा अमेरिका के साथ ये एक्सरसाइज होता है दोस्तों सो हु विल बी अनऑनर्ड विद द यूनिस्को गिलियरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मारिया रेसा जी को दिया गया है इस बार ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं सो विच बुक डिस्क्राइब्स द फोर ईयर टेन्यर ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग ठीक है रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी हो गया इंडिया दोस्तों हु इज द थर्ड वैन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू फ्लाई इन द स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स तो तीसरी व्यक्ति जो बने हैं उनका नाम है शीरीषा बंडला इन विच सिटी इन इंग्लैंड हैज़ बिन रिमूव फ्राम यूनिस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये लिवरपूल है राइट या इसको निकाल दिया गया वो हैज बिन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट सी ऑफ संसद टी वी दोस्तों रवि कपूर इसका नाम है इनका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है इस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है प्रीपेर्ड विच पोर्टल टू जनरेट डेटा फॉर रूरल डेवलपमेंट तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन है युक्ताधारा पोर्टल द फेस्टिवल ऑफ द लाई हरोबा वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट आपको पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी मणिपुर दोस्तों ठीक है नेक्स्ट है देखते हैं विच फिल्म हैज बिन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी पी हो गया सो वेयर इज द हर्बल प्रॉक पार्क लोकेटेड एट द हाइएस्ट आल्टीट्यूड इन इंडिया तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी चमोली उत्तराखंड एंड द म्यूजियम ऑन व्हील्स द वर्ल्ड फर्स्ट ऑन व्हील्स वॉज इनागरेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कोलकाता दोस्तों तपास ट्रेनिंग फॉर ऑक्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सीरीज पोर्टल वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री दट इज़ ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पॉरमेंट एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हेज लॉन्च खेल नर्सरी योजना टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द स्टेट तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है हरियाणा दोस्तों ठीक है एंड हु इज द टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें दैट इज ऑप्शन भी आई आई टी मड्रास सेट थर्टीन के ये क्वेश्चन के आंसर की है आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों अभी बस यू नो सात सेट बाकी हैं हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर फोर्टीन हो गया ठीक तो है, है, है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विच अफ्रीकन कंट्रीज है सेट अ टारगेट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाई टू कब तक 2030 तक ये लोग चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर देंगे पूरा एंड एज़ पर द रिसेंट अनाउंसमेंट की बात करें दैट इज़ ऑप्शन सी साउथ सूडान विच प्रोजेक्ट फॉर न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें आ, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी स्वदेश हो गया दोस्तों स्वदेश चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे राइट right? थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो मैंने सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा सो विच प्रोजेक्ट फॉर न्यूरो इमेजिंग डेटा बेस वॉज लॉन्च बाई नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वदेश दोस्तों ठीक है विच मेट्रो हैज़ वन द बेस्ट मेट्रो अवार्ड फॉर द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड पैसेंजर सेटिस्फैक्शन विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है डेली मेट्रो एंड विच प्रोडक्ट फ्राम उत्तराखंड हैज़ बिन गिवन द जी आई टैग रिसेंटली दट इज़ ऑप्शन ए कुमाओं चूरिया ऑइल दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो विच इंडियन वो ने मेडल अंडर फोर्टीन वर्ल्ड किक के बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन ईजिप्ट तजम उल इस्लाम या फिर पल्लवी राज झानवी शर्मा या फिर संतोख डोगरा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है तजमुल इस्लाम दोस्तों एंड विच ऑफ द द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज संभव अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें दैट इज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट एंडली इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप रॉकेट नूरी की बात करें दैट इज ऑप्शन डी साउथ कोरिया हो गया दोस्तों विच कंट्री ओन द सैफ चैंपियनशिप टू थाउजें ट्वेंटी इन मालदीव्स इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें दैट इज ऑप्शन ए इंडिया हो गया ठीक है

ट्वेंटी uh, वन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हेपेटाइटिस कांट वेट सो इन इनविस सिटी वॉज अ थ्री डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑर्गेनाइज विच वॉज इनागरेटेड बाई द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी झांसी में एंड हु हैज बिकम द विनर ऑफ एफ आई डी चेस वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए जान क्रिस्टोफ डूडा एंड हु इज अ ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक तिनमन स्क्वायर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी विजय केशव घोखले एंड हुज़ अ विनर ऑफ गोल्डन आई अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट कैनिस फिल्म फेस्टिवल की बात करें दैट इज ऑप्शन सी पायल कपाडिया दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन टू कंप्लीट वन फिफ्टी मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में तो विराट कोहली बने हैं एंड हुज़ हु फ्लैग बेर ऑफ इंडिया एट द क्लोजिंग सेरमनी ऑफ टोक्यो ओलम्पिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो कि जापान में हेल्ड uh, हुआ था दैट इज ऑप्शन बी बजरंग पुनिया दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विद यूनाइटेड नेशन लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीस कीपर्स की बात करें दैट इज ऑप्शन सी यूनाइट अवेयर हो गया और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्वेंटी एस्टैब्लिश द राइट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर्स एंड देयर गेम तो वो कौन से गेम्स एसोसिएट है वो आपको uh, बताना है चलिए देखते हैं सो so, अवनी लेखराज जी जो है ये आपको शूटिंग से रिलेटेड है ठीक है बहुत बार सुना होगा आपने सुमित अंतिल ये आपको uh, yeah, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और शरद कुमार से बात करें हाई जंप से रिलेटेड है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट हु वाज़ द कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम हु द मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की बात करें दैट इज ऑप्शन बी हो गया ग्राहम रीड ठीक है सो विद स्टेट एंड यूनियन एंडियन हैज लॉन्च रेड लाइट ऑन गॉडी ऑफ कैंपेन दैट इज ऑप्शन बी हो गया न्यू डेली

जी हाँ इसका नाम है सुपेश पोर्टल ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा हु इज़ द विनर ऑफ़ द फिफ्टी फर्स्ट दादा साहेब पालके अवार्ड तो इस बार का अवार्ड दिया गया है रजनीकांत जी को एंड हु द विनर ऑफ दुरंत कप 2021 हेल्ड इन कोलकाता रिसेंटली तो ये एफसी गोवा को दिया गया है सो हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमन टू रिसीव द वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड टू की बात करें तो ऑप्शन बी कृति के करण एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूनियन ट्रेटरीज वॉर रिसेंटली डिक्लेयर टी फ्री दोस्तों तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लक्ष्मदीप ठीक है द बिहार गवर्नमेंट हज अनाउंस डी वॉट परसेंट रिजर्वेशन टू वुमेन इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है थर्टी थ्री एंड वेयर इज द ओल्ड एक्सपो ट्वेंटी ट्वेंटी बींग हेल्ड फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन ए दुबई हो गया ठीक है एंड वेयर हैज़ द इटाली सेटअप इट्स फर्स्ट मेगा फुड पार्क इन इंडिया तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी गुजरात दोस्तों ठीक है एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेन माउंटेनियर टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी दौर्जे अंशुक एंड विद स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट क्योंकि इन दिसनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर गोड द फर्स्ट प्लेस और आईआईटी मुंबई सेक्यूर्ड फोर्टी सेकंड पोजिशन दोस्तों ओके और सेवन इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक इन टॉप हंड्रेड तो तीन के तीन करेक्ट है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द कंट्री फर्स्ट एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल वॉज बिल्ट इन बेंगलुरु तो ये किसके नाम पे रखा गया ये है ये ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरया जी के नाम पे रखा गया है बहुत ही खूबसूरत है ये बहुत अच्छा है मेंटेनेंस भी अच्छा किया इन लोगों ने सो व्हाट वाज द थीम ऑफ द जी सेवन समिट हेल्ड वर्चुअली बाय द यूके दैट इज ऑप्शन सी बिल्डिंग बैक बेटर एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो हैज डिक्लेयर इस कंट्री फ्री फ्राम द आउट ब्रेक ऑफ कौन से डीसी से ये लोग फ्री हो गए हैं एबोला से फ्री हो चुके हैं एंड यू ई हैज अनाउंसड द नेम ऑफ विच ऑफ द फर्स्ट फीमेल ऑप्शनर्स फॉर इट स्पेस मिशन की बात करें तो इनका नाम है नौरा अल मतरोशी दोस्तों सो इन विच सिटी वॉज अ कंट्री फर्स्ट गवर्नमेंट प्लान टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम वेस्ट वो सेटअप ए द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी भुवनेश्वर सो वेयर वॉज द ओल्ड स्टॉलेट नशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी हॉइस्ट ऑन अक्टूबर सेकंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और वन फिफ्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी लद्दाख हो गया दोस्तों विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई इंडियन नेवी टू स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज ताकि हम कोविड नाइन्टीन से अच्छे से लड़ पाएँ तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सेतु टू दोस्तों सो विच ऑफ़ देव फर्स्ट डिस्ट्रॉरशिप हैज बिन डी कमीशन बाई द इंडियन नेवी ठीक है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए आई एन एस राजपूत चलिए नेक्स्ट देखते हैं हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेर इन द वर्ल्ड टू रीच के टू समिट तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों शेरोस काशिफ एंड हु अमंग द फॉलोइंग एज कन द थिंगजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी दैट इज प्रियंका मोहित जी जी ए किशन एंड श्रीकांत विश्वनाथन तो सारे लोगों को मिला है एंड नेक्स्ट इन यूनिवर्सिटी वॉज अ नास्कॉम लॉन्चिंग एन एक्सेलेंट सेंटर

तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है तजाकिस्तान एंड वेयर वॉज इंडिया लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल इनागरेटेड तो ये दिल्ली में इसको इनाग्रेट किया गया है दोस्तों सो हियर इज आंसर की आप चाहे तो उसका स्क्रीन uh, शॉट ले सकते हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो है हम सेट नंबर फिफ्टीन चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं इंपॉर्टेंट तो so, पहला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ़ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन इंडिया ये कितना परसेंटेज इक्वल है हमारे जोग्राफिकल एरिया से दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी ट्वेंटी नेक्स्ट देख लेते हैं द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइट सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी है एटीन पॉइंट एट परसेंटेज एज पर द डेटा गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी इंडियन शेयर इन द वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन द ईयर 2021 वाज ऑप्शन तो भी 1.4 पॉइंट फोर परसेंट था कंसिडर दॉलोइंग इंपॉर्टेंट टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो इसका जो सही जवाब है पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ज्यादा था हमारे पास टैक्स रेवेन्यू सोर्स राइट उसके बाद कॉरपोरेशन से आता है उसके बाद हमारे पास सेंट्रल एक्साइज से आता है एंड फाइनली कस्टम ड्यूटी से हमको रेवेन्यू आती है दोस्तों ठीक है तो ऑप्शन डी टू वन थ्री फोर आपको इकोनॉमिक का थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट uh, पता हो तो आप इसे इजीली कर सकते हैं चलिए Next, according to the Indian State of Forest Report 2021, the mangrove forest in the country or what percent of the total area? So, mangrove forest ka pucha ja That is option D, 0.15%. In which country is the world's first platypus sanctuary being built for the conservation of platypus? The correct answer is option C, Australia. And by which platform will be the Krishi Udan 2.0 scheme be implemented with an objective of transporting farmer grains from one place to another by air? The correct answer is option A, E kaushal Okay?

चलिए विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट हमारा इंडिया ही बना था ऑप्शन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज व्हील चेयर वहीकल न्यू बोल्ड हैज़ बिन डेवलप बाई विच इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा है तो आई आई ने डेवलप किया सो हुज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज ऑप्शन है डेली चंडीगढ़ दोस्तों ठीक है सो हु बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च रोप वे सर्विस एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाराणसी दोस्तों सो हु छेड जी सेवन लीडर्स मीटिंग हेल्ड ऑन 24 टू डिस्कस द तालिबान क्राइसिस इन अफगानिस्तान तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन क्लियर चलिए द जी ट्वेंटी समिट वॉज हेल्ड इन अक्टोबर थर्टी थर्टी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके चेयरमैनशिप किसकेरमैनशिप चलाता है इटाली के एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे वॉर सेलिब्रेटेड ऑन सेकंडी टू थीम ऑफ क्या थीम थी एक्चुअली सो so, इस बार की थीम थी आपको दैट इज़ ऑप्शन डी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर एंड द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये किसने लिखा है आनंदिया दत्ता ने लिखा है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक डिट इंडिया गेट एज अ मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2021 की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए सेकेंड हो गया दोस्तों विच कंट्री आज साइन थ्री मिलियन डॉलर डील विद इंडिया फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ब्रह्मोस मिजाइल की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए फिलिपींस हो गया so which state or union territory has recently declared snow leopard as a state animal and black-neck crane as a state bird the correct answer is ka, that is option b Ladakh. Ho gaya dosto. and who has secured the first position among the cities with the population of more than 10 lakh in the ease of living index released by uh, central government the correct answer is ka, option b bengaluru and which of the following mountain peak has recently been renamed as mount manipur located in Andaman, Nicobar island the correct answer is ka, option c si, mount hari

ठीक है सो स्टेट गवर्नमेंट हैज एज इशूडीन डिजिटोड टू रिड्यूस डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड की बात करें दैट इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश द न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी वॉज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड बाई विच कंट्री विद एन एम ऑफ अट्रैक्टिंग ओके फॉरिन इन्वेस्टमेंट की बात करें दैट इज ऑप्शन डी यू हो गया ठीक है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हु बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट डोनार इन हंड्रेड इयर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी जमशेद जी टाटा द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल वॉज इनागरेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो ये असाम के है दोस्तों ठीक है एंड विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जेंडर संवाद इवेंट की बात करें तो ऑप्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया एंड विच कंट्री एज रिसेंटली लॉन्च ओर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट कैंपेन टू डिटेक्ट मोर दैन फिफ्टी टाइप्स ऑफ कैंसर तो ये यूके हो गया दोस्तों ठीक है एंड वॉट इज अ मोस्ट मल्टी डायमेंशनल पूर स्टेट हेज़ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको कौन रिलीज करता है ये भी पूछ लेता है आपको नीति आयोग याद रख लीजिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार हो गया ठीक है चलिए सो इंडिया इज डिसाइडेड टू वर्क विद विच कंट्री ऑन एंटी टोरपेडो डिफेंस सिस्टम शेड की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज़राइल हो गया दोस्तों एंड विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड सोलर हीटेड टेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी सोनम वांगचुक माई पैड माई राइट स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी की बात करें दैट इज ऑप्शन ए त्रिपुरा हो गया एंड डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी अजय मल्होत्रा दोस्तों हुज अपॉइंटेड ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैक रिपब्लिक इन नवंबर 2021 तो इसका सही जॉब है दैट इज ऑप्शन है पीटर फियाला एंड हु विच स्पेस इज ऑर्गनाइजन रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो इसका जो सही जॉब है दैट इज़ ऑप्शन बी नासा हो गया दोस्तों

ये आपको पूछा जा रहा है इनफैक्ट एग्जाम में भी आया था ऑप्शन सी मुकुंदन है इसका राइट आंसर ठीक है चलिए सो विच इंडियन प्लेयर वन द सिल्वर मेडल इन द फिफ्टी के जी कैटेगरी एट अंडर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है शिवानी पवार एंड विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू इट्स सिटीजन्स तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी गोवा हो गया दोस्तों द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैज बिन डेवलप बाय जापान तो इसका नाम क्या है इसका नाम है फुगाकू याद रख लीजिए क्या नाम है फुगाकू विच कंट्री हज़ लॉन्च ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव टू टैकल द क्लाइमेट चेंज तो उसका सही जवाब है ऑप्शन है इंडिया द पी एम एफ एम ई स्कीम हैज बिन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कौन से रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड है वेर वॉज द सिक्स इंटरनेशनल धर्मा धमा कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हल्ड बिटवीन सेवंथ एंड नाइन्थ नवंबर तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन है नलंदा यूनिवर्सिटी एंड वेयर वॉज द सेवंथ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हेल्ड इन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी रशिया हो गया दोस्तों तो ये यहाँ पे आंसर की आप देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ के हम सिक्सटीनथ सेट अभी कवर करते हैं ठीक है बस थोड़े ही सेट काफ़ी हैं अभी आगे ख़त्म हो जाएगा ये लेक्चर में तो प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्सटीन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग और अमोंग द फोर प्रायरिटीज ऑफ द फेडरल बजट टू थाउजेंड की बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारा जो चार पिलर्स पे डिपेंड था पीएम गतिशक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहैंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट से भी था और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी दोस्तों सो व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज पी सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बिकम इन ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें दैट इज ऑप्शन बी फिफ्टी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट टू हैज ट्वेंटी बीन सेलिब्रेटेड ऑन मार्च ट्वेंटी तो इसका थीम क्या है ये आपको पूछा जा रहा है दैट इज फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन according to the indian state of forest report 2021 the total carbon stock in the country forest is estimated to be 7204 million tons india rank at which position in the global food security index ke dosto 2021 ki baat kare that is correct answer is option b madhya pradesh ho gaya theek hai so next dekh lete hain sorry india ka rank aapko pucha ja raha hai right so option b 71st rank है. so recently go green scheme has launched by which state government that is option d गुजरात हो गया दोस्तों. चलिए द फर्स्ट ट्राई सर्विस वॉरफेयर एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज कंडक्टेड विथ विच कंट्री इन इंडिया तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी यू के साथ हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी ठीक है चलिए सो नेक्स्ट इन इन्विस्ट स्टेट इन यूनियन हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन हैज बीन इनागरेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन बी उत्तराखंड इज द राइट आंसर एंड हु हैज़ बीन अनाउंस टू बी अवार्डेड द बुकर प्राइस फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द बुक द प्रोमिस की बात करें दैट इज ऑप्शन ए द मान गर्लगुट सो वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिम्यूलेटर टूल किट जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है तो क्यू सिम इसका नाम है एजाज पटेल हैज बिकम द थर्ड बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल द टेन विकेट्स इन एन इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच दैट इज ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के दस के दस विकेट्स इन्होंने लिए थे तीसरे नंबर प्लेयर थे दोस्तों के दूसरे पे अनिल कुंबले थे आई थिंक सो विच इंडियन शिप्स पार्टिसिपेट द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया टू एनहेंस मेरी टाइम कोऑप्रेशन की बात करें दैट इज ऑप्शन डी आन एस दबार द इंडिया एंड यू लीडर्स मीटिंग हेल्ड वर्चुअली ऑन एथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री ये आपको पूछा जा रहा है पुर्तगाल हो गया इंडिया का पहला स्टेट टू लॉन्च रियल टाइम डिजिटल फूड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी असाम हो गया दोस्तों ठीक है

दोस्तों ठीक है सो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइन रेलवे मैप करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मणपुर एंड विच पोजीशन डिट इंडिया गेट इन इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स रिलीज इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑप्शन डी वन टी फर्स्ट दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रोड इन दर्ल्ड की बात करें दट इज ऑप्शन सी नॉर्वे हो गया विच फेल्ड दैट इज ऑप्शन ए इसरो हो गया वाई ब्रेक और योगा ब्रेक मोबाइल एप वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री दैट इज करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोस्तों विच स्टेट फेमस वाइट यूनियन एंडा कोलम राइस वॉज रीसेंटली गिवेन जी आई टैग तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो गया एंड विद स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज अ ईयर ऑफ एजुकेशन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश नाइट सफारी वॉज लॉन्च इन द थ्री नेशनल पार्क ऑफ विद स्टेट इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज कंप्लीटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन की बात करें दैट इज ऑप्शन सी स्टार्टो लॉन्च द आयूसी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस टू थाउजेंड ट्वेंटी विल बी हेल्ड बिटवीन थर्ड एंड लेवेंथ सप्टेबर तो कौन से कंट्री में हुआ था ये पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन सी फ्रांस में हुआ था दोस्तों चलिए हु हैज बिकम द फर्स्ट यूनिट टू विन द टाइटल ऑफ मिस टू ग्लोबल 2021 की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है श्रुति सितारा सिक्सटी सेवंथ नेशनल फिल्म अवार्ड्स विद स्टेट फिल्म वॉज बेस्ट फिल्म ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ होशंगाबाद सिटी टू वॉट अभी इसका नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम दोस्तों ठीक है चलिए सो इंडिया इज रिसेंटली कंडक्टेड द ट्वेंटी साउथ चाइना सी सो कौन से कंट्री के साथ हुआ है तो ऑप्शन बी सिंगापुर के साथ एंड हु इज ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स की बात करें दैट इज ऑप्शन है प्रभात कुरनार दोस्तों द ऑथर ऑफ द रिसेंटली नोन बुक होप इन द वर्ल्ड इज रिटन बाई ऑप्शन बी प्रोफेसर अमरत्या सेन विच इंडियन इकोनॉमिट हेज बिन अवर्डेड द हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी कौशिक बासू विच कंट्री हैज़ लॉन्च इज फर्स्ट आर्किटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्टिका यम फ्रॉम बलकनोर इन कजाकिस्तान तो दैट इज ऑप्शन सी रशिया हो गया दोस्तों रघुनाथ मोहापात्रा पासड अवे ऑन नाइन्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फ्रॉम कोरोना सो कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग ट्रू है ये पूछा जा रहा है दैट इज ही वॉज ए फेमस स्कल्पर हाँ जी स्कल्पर थे और इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था और uh, 2018 में राज्यसभा भी नॉमिनेट हुए थे राइट करेक्ट आंसर सो तीनों के तीनों करेक्ट हैं ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू लॉबली बर्गोहन द्रांड एम्बेसडर समग्र शिक्षा अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम या ये तो करेक्ट है सो so, अब नहीं लिख रहा क्योंकि कन्फ्यूज मत हो जाना क्योंकि uh, राजस्थान बहुत सारे लोग समझ जाते हैं बट असम ने अपॉइंट किया था एंड अवलीड ब्रांड एम्बास्ट बेटी एट बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर द गवर्मेंट ऑफ राजस्थान या दिस इज करेक्ट सो ऑप्शन सी बोर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट दोस्तों पर्वत धारा योजना स्कीम लॉन्च बाय वाटर रिसोर्स एंड रीचार्ज एक्स बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट इज ऑप्शन हिमाचल प्रदेश बेड़ाघाट द इंडियन साइट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है दैट इज मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है दोस्तों ठीक है Chali, next the next question: What is the name given to the world largest iceberg that recently separated from the continent of Antarctica? That is option C A76. Which of the following countries has conducted military exercise Asterix in space for the first time? So it's that is option C France. Okay. Steel Authority of India has announced to set up first gas to ethanol plant in which state? Correct answer is option option Maharashtra. Which university has secured the first position in the old university ranking 2022? Released by Times Higher Education. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी विच इंडियन ऑरिजिन हैज हैजिन अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइट हाउस एडवाइजर बू एस प्रेजिट जो बाइडन की बात करें दैट इज ऑप्शन है नीरा टंडन एंड नासा अनाउंस टू सेंड द फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू मून बाई टू तो द नेम ऑफ दिस मिशन विल बी सी वाइपर दोस्तों यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर की चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट uh, भी ले सकते हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो सेट है सेट नंबर सेवनटीन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू सेट ए टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 याद रख लीजिए 2050 थाउजेंड टू इज़ ऑप्शन इन मुंबई बट वही अगर नेट जीरो कार्बन एमिशन पूरे इंडिया की बात करें तो इट इज़ टू थाउजेंड सेवेंटी ओके याद रख लीजिए सेवेंटी में हमने डिसाइड किया है और सिक्सटी जो है सऊदी अरेबिया है दोस्तों याद रख लीजिए टेन ईयर्स का डिफरेंस है हमको सऊदी अरेबिया वाला का है सो इंडिया नेट फिजिकल डिफिज इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉज ऑप्शन सी नाइन पॉइंट टू परसेंट ऑफ जी डी पी अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द टाइगर रिजर्व विद हाइस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कितना है दैट इज ऑप्शन ए पक्के टाइगर रिजर्व हैज पर द इकोमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टी टू इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑन डिसंबर थर्टी फर्स्ट कितना था दोस्तों दट इज ऑप्शन बी सिक्स थर्टी फोर बिलियन डॉलर थे Which टीम वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू टाइटल फॉर द थर्ड टाइम थर्ड टाइम जितनी वाली तो यही थी तमिलनाडु ही थी यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस टू रन विच ट्रेन टू शो द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज दोस्तों तो करेक्ट आंसर इसको भारत गौरव ट्रेन बहुत बार न्यूज़ में भी था एंड हु एज रिसेंटली अपॉइंटेड एज स्वीडन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें दैट इज ऑप्शन बी मकदिला एंडरसन विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च बिस्ट्रॉफ जल शक्ति फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड क्रिएट मोर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज दट इज ऑप्शन सी सुजलम कैंपेन चलिए इंडियन आर्मीशन द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट इन विच स्टेट दैट इज ऑप्शन सी सिक्किम हो गया विथ रेफरेंस टू रिस डेथ मैज द फॉलोइंग पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दोस्तों दट इज रोहित सरदाना जर्नलिज्म से रिलेटेड है जगमोहन uh, 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 मल्होत्रा जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर है पंडित देवराज चौधरी सितार प्लेयर है और चंद्रो तोमर जो शूटिंग से रिलेटेड है ठीक है चलिए चल हुईड एज सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ न्यू चेयरमैन हुज़ बीन अपॉइंटेड बाई देंट्रल गवर्नमेंट एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ़ एन एच ए आई रीसेंटली तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी अलका उपाध्याय देखो अपना देश सीरीज ये जो कि न्यूज़ में था रिसेंटली ये कौन से मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है ये पूछा जा रहा है आपको तो इसका सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोस्तों नेक्स्ट इन विच कंट्रीज थ्री थाउजेंड ईयर ओल्ड गोल्डन सिटी हैज हैजिन डिस्कवर्ड दैट इज ऑप्शन सी इजिप्ट हो गया दोस्तों विच राइटर हैज बिन ऑनर्ड विद वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर अ नॉवल पेरानासी की बात करें तो इसका जो सही जॉब है दैट इज ऑप्शन डी सुजैन क्लार्क एंड हु इज ऑथर ऑफ द बुक ब्यूटिफुल थिंग्स पब्लिश बाई पब्लिश इन फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका जो सही जॉब है दैट इज ऑप्शन बी हंटर बाइडन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप कंट्री फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड हैज बिन ऑनर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी दैट इज ऑप्शन सी मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान वेयर वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सेस पैनिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हेल्ड अमॉंग द पार्टनर कंट्रीज इन्वॉल्व इन द बिमस्टेक की बात करें दैट इज ऑप्शन ए पुणे हो गया विच यूनिवर्सिटी स्टूड फर्स्ट इन द्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दप्शन सी मैशोचेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों

करोणुण अभियान 2021 वाज रिसेंटली पब्लिश्ड इन विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी गुजरात एंड विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू बिल्ड ए नेचुरली फ्रेंडली सिटी कॉल्ड द लाइन अंडर द न्योम प्रोजेक्ट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी सऊदी अरेबिया दोस्तों सो विच गाइडेड मिजाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वॉज कमीशन इन टू इंडियन नेवी इन नवंबर टू की बात करें तो so, उसका सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन है आई एन एस विशाखापटनम चलिए मेजर अनुप मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी इज डेवलप इंडिजिनियसली मेड वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट तो दैट इज ऑप्शन डी शक्ति हो गया एंड हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेजलर टू विन सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप की बात करें दैट इज ऑप्शन डी अंशु मलिक हो गया दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की बात करें दैट इज ऑप्शन डी बांग्लादेश एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू निसार की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी हो गया ऑल आर करेक्ट इट इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इसरो एंड नासा दिस दिज अस्ट रेड आर इमेजिंग सैटेलाइट टू यूज डुअल फ्रीक्वेंसी एंड इट विल बी लॉन्च फ्रॉम श्री हरी कोटा इन अर्ली टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑल आर करेक्ट सो अमंग द फॉलोइंग हैज दिन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ तंजानिया की बात करें तो ऑप्शन सी सामिया सलू हसन द दिक्कस पीसफुल मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी जॉइंटी एक्साइज वॉज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज तो इसका जो सही जॉब है दैट इज ऑप्शन एस सी हो गया दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली ऑर्गेज शून्य प्रोग्राम दैट इज ऑप्शन डी नीति आयोग एंड इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डिसंबर सिक्स एज ए फ्रेंडशिप डे की बात करें दैट इज ऑप्शन ए बांग्लादेश एंड विच स्टेट ऑफ द हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड की बात करें दैट इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों ठीक है सो ऑन विच प्लानट एंड सैटेलाइट वॉज अ परसरवरेंस रोवर सेंट बाई नासर टू एक्सप्लोर लाइफ ये तो सबको पता है वीनस में सॉरी मार्ट्स में भेजा था सो विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट इज ऑप्शन डी इज आंसर, सो इट वॉज रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम जी हाँ करेक्ट है आइसलैंड को पहला प्लेस मिला था जी हाँ इंडिया का रैंक वन फोर्टी है राइट और दो हजार बीस की बात करें तो इंडिया का रैंक एक सौ बारह था दोस्तों ऑल आर करेक्ट सो ऑप्शन डी सो एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट इंडिया का पहला थंडरस्टॉम रिसर्च टेस्ट बेट सेंटर विल बी सेटअप इन विद स्टेट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा हो गया हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनेक्ट ए क्लाइमेट चेंज लॉफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन ए न्यूजीलैंड एंड विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सिक्स सेवंथ नेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट मलयालम फिल्म मराखर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस को कंगना रनोत जी को चुना गया है और जो बेस्ट हिंदी फिल्म है वो छिचोरे को दिया गया था दोस्तों सो विच इंडियन एथलीट वॉज कॉन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बी बी सी इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट बॉक्सिंग सॉरी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दैट इज ऑप्शन डी वैशाली एस हिवासे सो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ हंड्रेड इन्फ्लुएंशियल पीपल दिस इज वेरी इंपॉर्टें ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाई टाइम्स मैगजीन की बात करें दैट इज ऑप्शन सी मुकेश अंबानी दोस्तों सो विच पर्सन फ्रॉम गुजरात है स्टार्टेड सत्याग्रह अगेन्स्ट पोल्यूशन मूवमेंट की बात करें दैट इज ऑप्शन डी विरल देसाई एंड विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड ए बिल मेकिंग साइड ए क्राइम तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी फ्रांस हो गया दोस्तों रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर द एमिशन ऑफ एक्सरे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच प्लानट तो ऑप्शन सी यूरेस हो गया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज सेटअप इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट इन जमशेदपुर दैट इज ऑप्शन डी टाटा स्टील दोस्तों सो विच अफ्रीकन कंट्री प्रेजिडेंट इद्रिस देबी डाइड इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी पर एजेस ऑफ मिनिस्टर ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी भुवनेश्वर दर्टी सेकेंड कॉर्पैट नेवल एक्सर्स हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री दैट इज ऑप्शन इन थाईलैंड हो गया दोस्तों वट इज नेम ऑफ द स्मालेस्ट ब्लैक होल रिसेंटली डिस्कवर इन यूनिवर्स द दोनमर्स की बात करें दैट इज ऑप्शन आंसर की देख सकते हैं आप इफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑल्सो तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो सेट नंबर 18 है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तो उसका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंजिन ऑफ फैक्टर्स हैव द गवर्मेंट सेट फॉर दपरेशन ऑफ द प्रियम गति शक्ति दैट इज़ ऑप्शन सी सेवन हैज़ पर द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द गवर्मेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल कवच सिक्यूरिटी सिस्टम ऑन हाउ मनी किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क की बात करें दट इज ऑप्शन है टू थाउजेंड किलोमीटर्स वेर हैज़ इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हैज़ बिन लॉन्चड दट इज ऑप्शन है मानसर हरियाणा दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो so as पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, the state and द स्टेट एंड is ट्रेटरी विच इज द हाइस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इज दैट इज़ ऑप्शन लक्ष्मदीप हो गया दोस्तों उन्नति प्लेटफॉर्म हैज बिन लॉन्च बाय पुलिस ऑफ विद स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए डेली पुलिस विद सिटी हैजॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स विच इज़ रिलीज बाई नीति आयोग की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दट इज़ ऑप्शन बी शिमला हो गया दोस्तों ठीक है सो हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम टू बी अवारेड एज अ नाइट हुड पार्ट गुल्फा तो पहले इंडियन की बात की जा रही हैं so, है यहाँ पे तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए एस के सोहन रॉय विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सपरेटेड फ्रॉम ब्रिटन एंड बिकम ए रिपब्बलिक कंट्री आफ्टर द एंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रूल तो ये बारबडॉस है दोस्तों ऑप्शन ये इज ऐ राइट आंसर चलिए विच ऑफ़ द फॉलिंग एनजीओज हैजन द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन सी प्रथम हो गया

तो दैट इज ऑप्शन सी पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया गया है सो इंडिया का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट जॉनस हुआ था वो कौन से सिटी में हुआ था दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए नोएडा हु बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू सेट अप एन एम्बेसी इन इज़राइल की बात करें दैट इज ऑप्शन डी यू ए हो गया दोस्तों हु रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यू एस ए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाई दे डोंगरी इंडिया का पहला मेरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप इन सिटी ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी गांधी नगर विच स्टेट गवर्नमेंट एज अनाउंस टू की वन परसेंट रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर इन गवर्नमेंट सर्विज दैट इज ऑप्शन सी कर्नाटक हो गया दोस्तों ठीक है चलिए कंट्री का पहला नानो यूरिया लिक्विड वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गनाइजेशन दट इज ऑप्शन ए इफको एंड विच ऑफ द फॉलिंग इंस्टीट्यूशन हैज़ प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट की बात करें दैट इज ऑप्शन बी गूगल हो गया ठीक है सो विच मिनिस्ट्री एज रिसेंटली अनाउंस द ओपनिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर इन इंडियन एम्बेसी ऑफ नाइन कंट्रीज सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हु इज ऑथर ऑफ दी दैट इज बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट हैप्पीक्शन ऑफ लाइफ तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मोहम्मद हमीद अंसारी एंड हु अमॉन्ग एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन नॉस्कॉम की बात करें दैट इज ऑप्शन बी रेखा मेनन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लैड ऑफ विथ पैसेंजर ट्रेन इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सी मठाली एक्सप्रेस विद स्टेट और यूनियन टेरेटरी लॉन्च सुपर सेवेंटी फाइव स्कॉलरशिप स्कीम टू प्रमोट वुमेंस एजुकेशन की बात की जा रही है दैट इज़ ऑप्शन एन जम्मू कश्मीर एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एशिया पावर इंडेक्स टू तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल आर ट्रू जो कि टोटल तो 26 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे इंडिया का रैंक फोर था इस पर यार रैंक याद रख लीजिए यूएसए पहला प्लेस था विच कंट्री होस्टेड द समिट फॉर डेमोक्रेसी 2021 थाउजेंड ट्वेंटी सो जो कि दिसंबर में हुआ था है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी यूएसए ने हेल्ड किया था होस्ट किया था इसको नेक्स्ट एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बिंग सेवाज ऑप्शन बी पटना में दीम ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेब्रेटेड ऑन जुलाई इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द इम्पैक्ट ऑफ कोविडीन पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी हु इज ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या की बात करें दट इज ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद एंड विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एपॉर्वरमेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ओल्डर पर्सन दट इज ऑप्शन है ओल्ड एज पोषण अभियान दोस्तों विच स्टमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल आर ट्रू दट इज द टाइटल गिवन बाई हरनाथ संधु ऑफ पंजाब हरनास संधु जो कि थर्ड वूमेन है फ्राम इंडिया टू विन द टाइटल और अर्लीअ सुषमिता शे ने नाइनटीन नाइनटी फोर में जीते थे और लारा दत्ता दो हज़ार में जीता था अभी थर्ड इंडियन है इनका नाम है हरनास संधु याद रख लीजिए हुआ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी महाराष्ट्र वेय वज द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन फोर्थ टू फाइव डिसंबर टू ऑप्शन ए अबुधाबी विच कंट्री वोन द टाइटल ऑफ कोपा अमेरिका टू थाउजेंड ट्वेंटी फुटबॉल टूर्नामेंट तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो गया दोस्तों अर्जेंटीना सो हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन राइस तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी फिलीपींस दोस्तों ठीक है चलिए सो वेट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो सही जॉब है ऑप्शन है नोएडा यूपी एन टी पी सी आई एल यूनियन टेरिटरी फॉर सेटिंग ऑफ द कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की बात करें दैट इज ऑप्शन बी लद्दाख हो गया दोस्तों हैदारपुर वेटलैंड हैज बिन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसार साइट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड दैट इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सो इंडिया इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हम लोगों ने एक मित्रा शक्ति एक्सरसाइज की थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ की थी हमने आ, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ विच मेजर जनरल ऑफ यूएई हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन बाय इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल की बात करें दैट इज़ ऑप्शन ए अहमद नसर अल रईसी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्टी की बात करें दैट इज़ ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म इज बिंग बिल्ट इन विच कंट्री दैट इज़ ऑप्शन सी सिंगापुर हो गया दोस्तों द तर्टींथ ब्रिक्स समिट वॉज चेड बाई विच कंट्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दट इज ऑप्शन ए इंडिया एंड विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री एज रिसेंटली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाई डब्ल्यू एच ओ की बात करें दट इज ऑप्शन बी एल सेल्वाडर हो गया दोस्तों ठीक है सो एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लॉन्गेस्ट हाईवे इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया सो द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हो गया दोस्तों डेली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे इंपॉर्टेंट है ठीक है जपान एज रिसली स्टार्टेड प्रोडक्श ऑफ हाइड्रोजन फ्राम ब्राउन कोल in collaboration with which country that is option D Australia gaya, by which year as a target of making Union Treaty of Ladakh fully organic uh, region by Ladakh administration ki baat that is option A 2025 for the first time in India in which state was the cultivation of monk fruit started that is option B Himachal Pradesh Sehet OPD portal was launched by which of the following ministry so correct answer is thisko, option D Ministry of Defense and in which state of India was the country first cryptogamic गार्डन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है उत्तराखंड दोस्तों तो यहां पे देख सकते हैं आप, की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रैक्टिस तो यहां पे पहला क्वेश्चन एज पर दउसमेंट ऑफ बजट टू टाउज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री द गवर्मेंट हेज अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट हाउ मनी किलोमीटर ऑफ रोप वे अंडर एट रोप वे प्रोजेक्ट दट इज ऑप्शन सी सिक्सटी किलोमीटर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू द एरिया ऑफ टोटल ट्री कवर इन इंडिया इज ऑप्शन सी नाइंटी फाइव थाउजेंड सेवन फोर्टी एट स्क्वायर किलोमीटर इम्पोर्टेंट सज पर बजेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द गर्मेंट एज अनाउंस टारगेट ऑफ लेंग ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस ऑफ इंडिया बाई विच ईयर दट इज ऑप्शन डी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव और इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकिल टोएटा मिराई वॉज रीसेंटली लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सो हुई इज अन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एट प्रेजेंट की बात करें तो ऑप्शन ए नितिन गडकरी दोस्तों सो कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सेस टू थाउजें ट्वेंटी रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्वे तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी नैटो दोस्तों एंड विच स्टेट असेंबली हैज इंप्लीमेंटेड द नेशनल ई विधन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू गो कम्प्लीटली पेपरलेस और पहला स्टेट है बना था दैट इज ऑप्शन डी नागालैंड एंड वेर इज थर्टींथ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड दट इज ऑप्शन ए दुबई में हुआ था इम्पॉर्टेंट याद रख लीजिए चलिए द नाइन्थ जॉइंट 2022 जो कि इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में हुआ था दैट इज ऑप्शन ए सीचलिस के बीच में वो एज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू क्रॉस द पाक स्टेट्स की बात करें दैट इज ऑप्शन ए जी आर और इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उनको जो है पुस्तमुस्टली अवार्ड किया गया था कौन सा कौन सा अवार्ड था वो पद्म विभूषण दोस्तिया सो हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ऑफ्रीकन टूविन प्रसाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसिस केरे एंड विच टीम रिसेंटली वोन द फर्स्ट एवर इंडियन सुपर लीग टू थाउजेंड टाइटल की बात करें पहली बार जीता है इन्होंने हैदराबाद एफ वालों ने एंड वेयर वॉज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2021 हेल्ड बिटवीन सेकंड दिसंबर टू द नाइनटीन दिसंबर की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र दोस्तों ओके है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिलीज बाई फॉप्स याद रखिए तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओके जी गॉट द टॉप स्पॉट इन द लिस्ट और इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन थर्टी सेवन पोजिशन पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो इन विच स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बींग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे तो मणिपुर हो गया इन विच कंट्री विल बी द दर्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स विल बी हेल्ड तो इसका सही जॉब है ऑप्शन है इंडिया

तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुगम भारत है विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रीन स्टील द फ्री स्टील होता है दैट इज ऑप्शन डी स्वीडन एंड विच प्लेस डिड द इंडिया गेट इन द फर्स्ट ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो कि रिलीज किया गया था हाम रिडक्शन कंजोडियम के द्वारा तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए एटीन थे दोस्तों ठीक है सो इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट ऑन द थ्री ईयर ज्वाइंट प्रोग्राम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विथ विच कंट्री तो सही जॉब है इसका ऑप्शन है इसराइल हो गया दोस्तों

लिस्ट uh, की बात करें तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी धोला वीरा दोस्तों सोमा मंडल वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ विच महारत्ना कंपनी तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल हो गया विच स्टेट हैड लॉन्च स्पेशल पिंक बूथ फॉर वैक्सीनेशन ऑफ द वुमेन की बात करें दैट इज ऑप्शन है उत्तर प्रदेश दोस्तों नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विद द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बी डेवलप्ड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात एंड वेयर वॉज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनागरेटेट इन न्यू डेली में इनाग्रेट किया गया था मार्च छब्बीस को टू थाउंड ट्वेंटी वन

प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी इनग्रेटेड द मेरी टाइम इंडिया समिट विच कंट्री वॉज अ पार्टनर कंट्री इन दिस तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी डेनमार्क हो गया विच स्टेट यूनियन टेरेटी द ओल्ड हाइएस्ट आल्टीट्यूड सिनेमा हॉल वॉज इनागरेटेड दैट इज ऑप्शन ए लद्दाख दोस्तों सो हू रिसेंटली बिकम द यंग ग्रैंड मास्टर इन ट्व इयर ओल्डचेस्ट प्लेयर ऑफ़ द इंडियन ऑरिजिन की बात करें दैट इज ऑप्शन डी अभिमन्यू मिश्रा द मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज इनागरेटेड इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑन विच रिवर हैज द ब्रिज बिल्ड तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो गया दोस्तों फेनी रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फीफा अंडर सेवेंटीन वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोध स्टेटमेंट और ट्रू अभी विट विल भी हेल्ड इन इंडिया इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में होने वाला है द एशियन लाइनस इभा वॉज डिक्लेयर आय ऑफिशियल मास्कॉट चलिए विच कंट्री माउंटेर जैंग यू होंग द रिकॉर्ड फॉर क्लाइंबिंग द फास्टेस्ट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑप्शन बी हांगकांग हो गया इन डिसंबर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन काजू वेटलैंड वॉज डिक्लेयर ए बर्ड सेंचुरी इन विस्त स्टेट इट इज लोकेटेड दट इज ऑप्शन बी तमिलनाडु हो गया दोस्तों इंडियन बायोडावर्सिटी अवार्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन द इंडिविजुअल कैटेगरी हु इज नोन एज ट्यूबर मैन ऑफ केरला तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी शाजी एन एम हो गया हु रिसेंटली बिकम द फस्ट इंडियन अमेरिकन वोमेंट टू विन द मिस ओल्ड अमेरिका टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टाइटल की बात करें दट इज ऑप्शन ए श्री साइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेफ सिटी इंडेक्स दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया गया है और यहाँ पर देखिएगा नॉट करेक्ट आपको पूछा जा रहा है तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओली टू सो इंडिया सिटी ऑफ न्यू डेली वॉज रैंक फिफ्टी ये गलत है रिसेंटली द रूट ऑफ कैनाल वॉज ब्लॉक ड्यू टू लार्ज कार्गो शिप फ्रॉम विच कंट्री दैट इज ऑप्शन सी ताइवान हो गया चलिए दिस इज द आंसर की यू कैन सी हि अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीन uh, शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों ठीक तो है तो चलिए फाइनल सेट की ओर बढ़ते हैं सेट नंबर ट्वेंटी इस सेट के बाद हम टोटल थाउजेंड एम सी क्यूज को कवर करने वाले हैं तो लास्ट फिफ्टी क्वेश्चन देख लेते हैं विच प्लेयर हैज बिकम द सेकेंड इंडियन बाउलर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स इन टेस्ट सर पासिंग द इंडियन कैप्टन कपिल देव तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए आर अश्विन द इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मार्च 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज बीन इनागरेटेड बाय ऑप्शन डी राजनाथ सिंह दोस्तों सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेट हैज हाईस्ट ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ओडिशा एज पर अउंसमेंट ऑफ बजेट टू थाउजें ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री द गर्मेंट हेज सेट ए टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउ मनी किलोलमीटर्स ऑफ न्यू नैशनल हाईवे ऑप्शन सी ट्वेंटी किलोमीटर सी ओ पी ट्वेंटी सेवन विल बी ऑर्गनाइज इन विच कंट्री इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंट की बात करें दैट इज ऑप्शन इन इजिप्ट एंड विच पोर्टल हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फॉर इंडिया फॉर द सोल्यूशन ऑफ रिसल वेस्ट की बात करें दैट इज ऑप्शन बी वेस्ट टू वेल्थ सो इन विच स्टेट है फिश वाला एप हेज बिन लॉन्च फॉर द इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप तो ये असाम का हो गया दोस्तों याद रख लीजिए सो मिल्क प्राइज इनिशियटिव स्कीम वॉज रीसेंटली लॉन्च बाई स्टेट गवर्नमेंट दैट इज ऑप्शन बी उत्तराखंड एंड वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन किया गया है दैट इज ऑप्शन सी एमस्टर्डाम नेदरलैंड में ठीक है विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बाल सेवा योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोटी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज इंक्लूडेड विच कंट्रीज एज एसोसिएट मेंबर इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द्विजरलैंड तजाकिस्तान मंगोलिया विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द फार्मर्स इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों राजस्थान Which टू स्टेटमेंट true टू रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स टू जो कि रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू केरला गॉड फर्स्ट पोजिशन और बिहार को लास्ट पोजिशन में रखा गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनाग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट प्राइवेट एल एन जी फैसिलिटी प्लान इन विथ सिटी तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी नागपुर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेज नेम द वेरियंट्स ऑफ कोरोना आइडेंटिफाइड इन इंडिया करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी इज डेल्टा एंड कप्पा दोस्तों Which country has decided to withdraw from Open Sky Treaty in June 2021? The correct answer is option A, Russia. And who has been elected as seventy-sixth President of the United Nations General Assembly? That is option C, Abdullah Shahid. Clear? Next question: The Global Bio India 2021 was recently organized by uh, which country? That is option C, Ministry of Science and Technology. This is very very important. And by in which of the following countries has the first case of person infected with H10N3 strain of bird flu?

बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रैना विच ऑफ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिल्ड टू ग्रीन सिटीज तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन है बिहार एंड रिसेंटली फेमस प्लेयर यशपाल शर्मा पास कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे दोस्तों ये क्रिकेट से रिलेटेड थे चलिए वो ऑज ऑनर्ड विदोर्ट्स वोमेन ऑफ द्वार्ड एट द एस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी बात करें तो एम सी मैरी कॉम को दिया गया है वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे टू थाउजेंड टी वन सही गुड चलिए द फर्स्ट कंट्री इन दैट अलाउड लो स्पीड कार तो इसका सही जवाब इंडियन बॉडी अवार्रीन एनर्जी अवॉर्ड बाई द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी होगा सो हू रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिंगल फ़ीमेल बाइकर टू the Umlingla उमलिंगला पास एंड first फर्स्ट to टू 18 passes. Correct करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कंचन उगुरसंदी आई थिंक आपको थोड़ा एक आवाज़ आ रहा होगा यहाँ पे घर के पास ही मेरे एक मिलिट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग एयरक्राफ्ट्स को ट्रेन देते हैं तो बार बार यहीं से लोग फ्लाई करते हैं तो इसलिए इतना आवाज़ आ रहा होगा आपको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ सो विच इंडियन ऑरिजिन राइटर वॉज अवार दिफ्टींथ शेख जयद बुकिंग अवार्ड इन मे टू uh, थाउजेंड की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर तहिरा खुतबुद्दीन हु हैजी अनाउंस बायल्ड फूड अवार्ड फाउंडेशन टूर्डेड द प्रेसीजियस वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलचट ओके मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस मैन्युफैक्चर बाय डी वाज हैंडेड ओवर टू सी हुज नेम इज दैट इज ऑप्शन बी रक्षिता दोस्तों यहाँ देख लीजिए वेयर वज द फिफ्टी सेकेंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन हाइब्रिड मैनर बिटवीन नवम्बर ट्वेंटी टू नवंबर ट्वेंटी एट टूज ट्वेंटी वन तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी गोवा दोस्तों द फर्स्ट इंडियन इन द ओल्पिक गेम्स वो वॉज अपॉइंटेड एज जज इन द जिमनास्टिक इवेंट की बात करें दट इज़ ऑप्शन डी दीपक काबड़ा एंड वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एग्जॉटिक बर्ड पार्क ओपन तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई हो गया दोस्तों

हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन इन द कंट्री तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑन विच रिवर एज अ ओल्ड हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन जम्मू कश्मीर बीन कंस्ट्रक्टेड दट इज ऑप्शन बी चीना पे बना जा रहा है सो सांस्कृत लर्निंग एप लिटिल गुरु वॉज लॉन्च बाई इंडिया इंडियन इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो ये बांग्लादेश में एक्चुअली लॉन्च किया गया है ठीक है सो विच ऑफ द वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वॉज लॉन्च बाई इंडिया ड्यूरिंग सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स समिट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो गया ई अमृत पोर्टल द रिसेंटली लॉन्च बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन हैज़ बिन रिटन बाय दैट इज़ ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड ई सेंटा वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड इन वर्चुअल फॉर्म बाय विच मिनिस्ट्री दैट इज करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच कंट्री आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा वॉज ऑनर्ड विद ऑनरल रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी पर प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करें दैट इज ऑप्शन सी नेपाल हो गया दोस्तों ओके चलिए

रिगार्डिंग टोक्यो ओलंपिक्स 2021 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू पहला है द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप द मेडल टैली इन ओलम्पिक्स टू ओके और दूसरा इंडिया का जो पोजिशन है मेडल टैली में वो फोर्टी है दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आंसर की भी है सो ये फाइनल सेट था दोस्तों मैगजीन का ही फाइनल पार्ट था है ओके okay? सो so, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आइडिया होगा कि एम किस लेवल के पूछे जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम और ये भ्रम में आप मत रहिएगा कि सिर्फ लास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स जो लोग पूछ रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ एटलीस्ट आप वन ईयर का तो एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा अच्छे से ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर पाएंगे तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों स्क्रीन